ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रेजेंट, अभी का सोचिए, क्योंकि आप अगर पीछे का सोचेंगे, आगे का सोचेंगे, ख्याल रखिए पीछे का सोच के कुछ होने वाला है नहीं, नंबर वन, क्योंकि आप कुछ बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। तो पीछे का सोचना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। एक आदमी जो पीछे में जीता है वो अपना प्रेजेंट को बर्बाद कर देता है। तो कभी भी आदमी को लाइफ में पीछे का नहीं सोचना चाहिए, ये एकदम क्लासिक रूल है। अगर किसी के साथ आपने बुरा किया था तो बुरा किया था, ठीक है, अब उसको भूल जाइए। अब उसको लेकर अगर आप बैठे रहेंगे तो आप अपना प्रेजेंट को खराब करेंगे। मान लीजिए पहले मैं ऐसा था, पहले मेरा ऐसा पर्सनालिटी था, पहले मैं मान लीजिए दुखी रहता था, तो अगर पहले कुछ हो गया, पहले मैंने कुछ अचीव किया, बहुत सारे लोग होते कि पहले एक अचीवमेंट कर लेते फिर उसी अचीवमेंट को पूरा जिंदगी चला देते, वो भी नहीं करते। तो पास्ट का सोचने का तो कोई फायदा नहीं है। ये बात पे हम थोड़ा डिस्कस कर ले दो मिनट, बिकॉज दिस इज अ वेरी कोर थिंग, जिस पे दो मिनट डिस्कस कर लेते हैं। अपना पास्ट का सोचने का कोई फायदा नहीं है, मगर पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, वहां से जो आपने सीखा है, उसको हमें जरूर आगे लगाना है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि पास्ट में क्या हुआ था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पास्ट में जो भी हुआ था उसे मैंने क्या सीखा है। ये बात क्लियर है? तो कभी भी अगर आप बैठ के पास्ट के बारे में सोचते कि पहले ऐसा था, आप लाइफ में गलत जा रहे हैं। इज दिस थिंग मोर ऑर लेस क्लियर? बिकॉज बाकी लोग का क्या ओपिनियन है इस बारे में? इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट यू आर गोइंग रॉन्ग, बाकी लोग का क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर, किसी को फॉरगिव करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको तो माफ करना, मैं तो बहुत ही भले कमजोरी समझो बट बड़ा मुश्किल हो जाता है माफ करना। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसको माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब एक दो फैक्ट देखिए। मान लीजिए आपके साथ अगर मैं बुरा करूं और आप मेरे साथ बुरा करें, आपके साथ मैं अच्छा करूं आप मेरे साथ अच्छा करें, ये सही है? या फिर मैं आपके साथ अच्छा करूं आप मेरे साथ बुरा करें, और मैं आपके साथ बुरा करूं आप मेरे साथ अच्छा करें, कौन सा बेहतर है? किस चॉइस को, किसको आप चूज करेंगे? गुड के साथ आप गुड करेंगे बैड के साथ बैड, या गुड के साथ आप बैड करेंगे बैड के साथ गुड, आप किसको करेंगे? विच वन विल यू चूज? द फर्स्ट वन, ऑब्वियस बात, वेरी गुड, है ना। तो आप ये काम करेंगे कि अगर कोई आपके साथ बुरा करेगा तो आप उसके साथ बुरा करेंगे, अच्छा करेगा तो अच्छा करेंगे, परफेक्ट, ठीक। अब एक न्यूबॉर्न बेबी है, मान लीजिए आपने देखा है एक हॉस्पिटल में एक बच्चा भी पैदा हुआ है, जस्ट भी देख रहा है, हर तरफ देख रहा है, हर तरफ देख रहा है, ठीक। प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चा जो है, मान लीजिए थोड़ा सा बदसूरत पैदा हुआ है, क्या बच्चे की गलती है इसमें? बच्चा देखने में उतना गुड लुकिंग नहीं है ना, जॉनसन बेबी नहीं है बच्चा देखने में, हर बच्चा तो नहीं होता जॉनसन बेबी, नहीं है जॉनसन बेबी, तो बच्चे की गलती है? नहीं, बच्चे की गलती नहीं, absolutely गलती नहीं। पर अब वह जो इधर उधर देख रहा है तो देख रहा है उसको प्यार नहीं मिल रहा, प्यार दूसरे बच्चों को मिल रहा है, तो इस बच्चे ने भी दूसरों को प्यार देना कम कर दिया। छोटा बच्चा है, वो पापा को बोलता है पापा वो खिलौना दे दो, खिलौना लाल पीला खिलौना उसने देखा, बच्चे देख के देते हैं, और पापा ने एक चाटा देते हैं, बच्चे की गलती है। कब एक बच्चे से आदमी बुरा बन जाता है, कब? व्हाट मेक्स अ पर्सन बैड? आप बोलते हैं आदमी रेपिस्ट है, इसको लटका दो, ठीक है लटका दो, पर ये रेपिस्ट कब बना, उसको कौन देखेगा, कैसे बना, क्यों बना? और उसको नहीं देखेंगे तो कल 10 और बनेंगे। अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे कल 10 और बनेंगे, तो फिर आपको किसको ठीक करना चाहिए? एक आदमी को कोरोना हो गया उसको गोली मार दो, ये ठीक है क्या? ये देखो कोरोना आया कहाँ से, उस सोर्स पे जाओ, जड़ पे जाओ, आप ही बताइए विच इज बेटर। अगर को बदलना चाहिए, हाँ, या कम से कम अगर नहीं बदल सकते तो माफ कर देना चाहिए। अगर किसी आदमी ने आपके साथ बुरा किया तो क्या हमने उसका जड़ को देखा कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि इतना पक्का पता है कि जब वो पैदा हुआ था वो बहुत अच्छा इंसान था, भगवान का रूप। जब एक छोटे बच्चे को आप हाथ में लेंगे ना, आपको लगेगा कि आपको ये भगवान का रूप है, चलिए। तो पर कोई बच्चा खराब पैदा नहीं होता, पर धीरे धीरे कोई बुरा नहीं होता। तो हम ये कह रहे कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता बिकॉज आपने मेरे साथ बुरा किया, अग्रीड बुरा किया, पर हमें क्या ये पता है कि उसके पीछे उसका क्या रीजंस रहा है? एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप देखिए कि आपको कई बार गुस्सा आता है, जब किसी पे गुस्सा आता है तो गुस्सा आप हो जाते, फिर जब आप शांत होते फिर आप देखते हैं, नहीं, ट्रिगर जो किया था गुस्सा को वो पुराना एक्सपीरियंस था जो दबा हुआ था, छोटा छोटा एक्सपीरियंस था जो दबा हुआ था, जिसके कारण वो गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था। और अभी क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया कि वो फट गया, हम जैसा जैसे बांध टूट गया, तो पानी बांध नहीं जमा करके रखता, बांध में बहुत दिनों से पानी जमा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा तक हम दबाते चले जा रहे थे, फट गया।
मैं इस बारे में थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज इस मार्केट में ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अगर आप एवर देखेंगे दैट वाज गौतम बुद्ध। उनका मैं पहले एक स्टोरी बताता हूँ फिर उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, एंड दिस यू कैन एब्सोल्युटली ट्राई। एक स्टोरी देखिए उनका क्या था कि एक बार वो एक गांव में गए और ऑब्वियसली आफ्टर ही गॉट एनलाइटन तो वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, कभी यहाँ पे कभी उस गांव में जा रहे हैं। एक बार वो एक गांव में गए और वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने उनको बहुत गालियां दी, कभी कभी ऐसे बुरा गांव होता है, बुरे लोगों का गांव था, तो उन लोगों ने बहुत गालियां दी। तो जब वो जाने लगे बेसिकली गांव से तो सब उनको गंदा गंदा गाली दे रहा। तो गौतम बुद्ध खड़े होकर सुन रहे कि ठीक है आप बोल दो। जब लोगों ने बोल दिया तो गौतम बुद्ध ने बोला कि ठीक है अब क्या मैं जा सकता हूँ, आप और कुछ बोलना चाहेंगे? तो लोगों ने बोला कि कैसा आदमी कैसा बेशरम आदमी, इतने गाली देने को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बुद्ध ने बोला ना नहीं, अगर आप मुझे कोई 20 साल पहले देते ऐसी गालियां तो मैं जरूर आपको रिप्लाई देता, मैं भी अच्छी अच्छी गालियां देता, पर अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं दूसरों का दिया हुआ चीज नहीं लेता। आप दे तो रहे गाली पर अगर मैं लेने से मना कर दूं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर बुद्ध ने कहा कि देखो आपके गांव से पहले मैं एक दूसरे गांव में गया था, वहां से मैं जब निकलने लगा तो लोग बहुत सारा फल और मिठाई लेकर आ गए कि इसको ले जाइए इसको ले जाइए, और मैंने कहा मैं तो कुछ लेता नहीं मैं लूंगा नहीं, तो मैंने उनका फल और मिठाई नहीं लिया था। आप बताइए उन्होंने फल और मिठाइयों का क्या किया होगा? तो सबने बोला कि घर जाके बच्चों को बांट दिया होगा, क्या किया होगा? तो बुद्ध ने बोला फिर आप सोचो, मैं तो आपका गाली लेता नहीं, अब आप क्या करेंगे? अब उनको घर जाके बच्चों को बांटना पड़ेगा। कोई आपको दे सकता है गाली, अगर आप लेने से मना कर दें तो फिर वो कैसे दे सकते हैं? नंबर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बता दो थोड़ा और क्लियर होगा। एक बार एक आदमी आए, गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, उनके साथ उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स नहीं, आनंद नाम का एक बंदा बैठा रहता था, ही वाज लाइक द नंबर टू आप कह सकते हैं, और उनके 10,000 भिक्षु यहाँ वहाँ हर कोई बैठा हुआ। तो गौतम बुद्ध इज लाइक एट द सेंटर ऑफ द स्टेज, एक आदमी आया और बहुत गुस्से में आया और आते ही गौतम बुद्ध के चेहरे पे थूक दिया, उसे एकदम स्ट्रेट ऑन द फेस थूक फेंक दिया गुस्से से, इतना गुस्से से। तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड और गौतम बुद्ध एकदम शांत बैठे जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं, एकदम शांत बैठे। सबको आग निकल रहा है, अब क्या करें अब क्या करें, बिकॉज एक अंदर का जो मतलब यू नो सोया हुआ जो बुद्ध, बुद्ध तो नहीं बोलेंगे, सोया हुआ जो यू नो नॉर्मल इंसान है वो जाग रहा है। तो बुद्ध ने उसकी तरफ देख के बोला, आदमी भी सोचा था कि कुछ होने वाला, अभी उजाएगा खड़ा या कुछ बोलेगा, कुछ हुआ नहीं। गौतम बुद्ध स्माइल करके उन्होंने बोला कि आप और कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? तो आदमी ने कुछ देर देखा उनको, चला गया वहां से। जब जाने लगा तो बाकी लोगों ने बोला, खासकर आनंद ने बोला कि महाराज ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, आप इजाजत दे तो हम कुछ करें, ये सारा लिमिट क्रॉस हो गया, मतलब सारा लिमिट, इजाजत दे तो हम कुछ करें। तो बुद्ध ने बोला तुम आनंद समझे नहीं। तो उन्होंने बोला क्या समझे नहीं? तुम समझे नहीं, वो जो आदमी है वो शब्दों में थोड़ा वीक है, उसका लैंग्वेज उतना स्ट्रांग नहीं है, वो कुछ कहना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसने ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसने थूक फेंका, वो भाषा में बाकी लोगों की तरह से थोड़ा कमजोर है, वो शब्दों में कमजोर आदमी है, जो कह नहीं पाया शब्दों से वो उसने जाहिर किया है। तो क्या करें, लोग फिर भी नाराज हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ, वो आदमी तो घर जाके सोने का कोशिश किया पर नींद आने वाला तो है नहीं, उसको बेचारा रात भर रोया, उसको समझ में आया कि आई हैव डन अ बिग मिस्टेक। अगले दिन आया सुबह आके बुद्ध का पांव पे गिर गया और फिर रोने लगा, कुछ बोल नहीं रहा इस बार, फिर आंख से खाली आंसू बह रहा। तो फिर बुद्ध ने बोला देखो आनंद, देखते हो कितना कमजोर है भाषा से, अभी भी कुछ कहना चाहता है पर देखो वो कह नहीं पा रहा तो जाहिर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो आप पे थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे अगर, तो उनको उतना शब्द का आता नहीं कि ऐसा सब बात या शब्द बोल दे बना करके कि आपको दिल पे लग जाए, तो वो हाथ चला देते, वो क्या करेंगे गुस्सा भाग से हाथ चला देंगे, बिकॉज दे आर म्यूट पीपल, वो चुपचाप वैसे ज्यादा उतना बात नहीं करते इस टाइप के लोग, या फिर अगर बात भी करें तो लाइक ऐसा है कि उनको भाषा में उतने कमजोर है, वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है। बहुत लोग हम लोग होते हैं ना, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप कुछ बोलेंगे हम सकास्टिक मार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा पता भी नहीं चलेगा कि सिपाही के घर में कुछ डाल दिया। तो हर कोई तो ऐसा नहीं होता। तो फिर बुद्ध ने समझाया कि देखो ये जो आदमी आज आया आनंद, तुम बताओ ये जो अभी मेरे पांव पे रो रहा है और कल जो आदमी था जिसने मेरे पर थूक फेंका था, क्या दोनों एक ही आदमी है? अब आनंद सब टेंशन में हो गया कि कैसे बोले एक ही आदमी है, बिकॉज आदमी तो पूरा बदल गया, आदमी तो पूरा बदल गया, क्योंकि कल एक आदमी थूक फेंक रहा था आपके, आज आपका पांव पकड़ के रो रहा है, तो हाउ कैन यू से इट्स सेम पर्सन? तो बुद्ध ने बोला कि देखो पास्ट जो होता है वो एक नदी जैसा होता है। अगर आप तुम एक नदी में जाते हो, जैसे चाइना में एक कहावत है
यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. आप एक ही नदी में दो बार घुस ही नहीं सकते. क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप एक नदी में अगर घुसे, मान लीजिए आज आपने गंगा में एक पांव डाला, तो जैसे ही आपने गंगा में पांव डाला, जिस पानी पे आपने पांव डाला वो उसी वक्त बह गया. आप 10 मिनट बाद जब दोबारा गंगा में आते हैं तो सारा पानी बदल चुका है. अगर पानी ही बदल गया तो नदी क्या है? नदी तो उस पानी को कहते हैं, उस खोखले जगह को तो नहीं कहते, खाली जगह को तो नहीं कहते जहां से पानी बह जा रहे हैं. अगर पानी सारा निकाल दो तो नदी तो नहीं बचेगा, नदी तो पानी में है. और जैसे ही आपने पानी पे एक पांव रखा, वो पानी तो बदल गया, कल दूसरा पानी आ जाएगा. तो आज जो पानी आप देख रहे हैं, आप जब नदी को देख रहे हैं, नजारा आपको दोबारा कभी नहीं दिखने वाला. तो बुद्ध ने कहा कि आदमी भी कुछ वैसा है. आज जो आदमी है, कल पूरा पानी बदल सकता है, कई बार बदल जाता भी है, और तो फिर वो दूसरा आदमी हो गया. तो आप पास्ट का सोचो ही मत. जो हुआ था आपके साथ पास्ट में, वो जिसने किया था, हो सकता है वो बदल गया हो. अगर वो नहीं बदला तो दुनिया तो बदल लेगी और आप तो बदल ही गए. एंड इफ यू कैन डू दैट, तो आपको फिर लगेगा कि माय गॉड, व्हाई एम आई हैंगिंग ऑन टू दैट एंगर. बिकॉज व्हेन यू आर हैंगिंग ऑन टू एंगर टू समबडी एल्स, इसमें हर्ट किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये तो आप ही का हो रहा है ना. मान लीजिए किसी ने आपको, आप रास्ते पे जा रहे थे, किसी चलते चलते आपको रास्ते पे गाली दे दी, मान लीजिए. अब आप लेके उसको बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है जिसने गाली दिया उसको कोई फर्क भी पड़ा? वो तो आराम से मस्त है घर पे, और जिस को गाली दे रहा है उसको कोई लेना देना नहीं उससे. और आप यहाँ पे जलते चले जा रहे हैं. अगर आप ही को नुकसान और आप ही जलते, आप ही उससे बदला लेने का सोच रहे, आप ही उसको दिखा देंगे सोच रहे, तो कहीं ना कहीं आप ही गलत कर रहे. बुद्ध का ये भी कहना था कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक होल्डिंग ऑन टू अ बर्निंग कोल. जैसे आप जलता हुआ कोयला को हाथ में पकड़े किसी पे मारने के लिए, दैट इज एंगर. तो इफ यू डोंट अलाउ अदर पीपल टू मेक यू एंग्री, तब तो सारा टेंशन हमारा खत्म. हम क्या करते हैं, दूसरों को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप कुछ बोलो, और आप जो बोलेंगे या कुछ करेंगे उससे मैं अपना मन का जो यू नो इमोशन है उसको बदलने दूंगा. दैट यू कैन नेवर लेट हैपन इफ यू वांट टू बी अ करोड़पति. इफ यू वांट टू बी अ करोड़पति, मैं करोड़पति का एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ. एक तो वॉरेन बफे का आप नाम सुना ही होगा, है ना, वॉरेन बफे, राइट. तो उनका जैसे कहना था कि लुक, वो वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, सबसे सेकंड रिचेस्ट आदमी. तो उनका कहना था कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर में और अच्छे इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है. किसी ने पूछा, उन्होंने बोला देखो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है ना, वो चीज़ों को इमोशन से देखता है, और एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो चीज़ों को इमोशन से नहीं, माइंड से देखता है. लोगों ने बोला सर समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे क्या. अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर्स को देखेंगे क्या करेगा, वो मान लीजिए कहीं पे शेयर में उसने 1,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए शेयर में लगाए, और कल क्या हुआ, वो 1,50,000 हो गया. नाउ ही इज हैप्पी, सबको बता रहा है, जम कर रहा है, देखो मैंने एक दिन में 50,000 कमाया, 1,00,000 का 1,50,000 हुआ. वो सबको बताता रहेगा, मिठाई विठाई बात, एकदम एनर्जाइज हो जाएगा. और फिर अगले दिन मान लीजिए डूब गया उसका पैसा, अगले दिन वो मान लीजिए 50,000 हो गया. अब वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं कर रहा, रूम के अंदर बंद है, क्या हुआ, 1,00,000 का नुकसान हो गया. दीज पीपल एज पर वॉरेन बफे आर द स्टूपिड पीपल, दे विल नेवर मेक मनी. Who are the smart people? Smart वो है जो माइंड से पहले देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे. अब पैसा चाहे अप जाए तो neither they are happy, down जाए neither they are sad. They are beyond that. वही लोग, या आप ऐसा मान लो, दूसरे तरीके से मैं बोलूँ, अगर आपको किसी इंसान को कंट्रोल करना है, अगर आप किसी इंसान को, हाँ इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर आप उस इंसान से प्यार करते हैं, तो कौन कंट्रोल करेगा, वो आपको करेगा या आप उसको करेंगे, ये बताइए. If you love somebody, is the person controlling you or are you controlling the person? वही हमें करेगा. सही बात है ना? तो अगर वही हमें करेगा तो याद रखिएगा इसका उल्टा भी सच है. अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो भी वो आपको कंट्रोल करते हैं. तो माइंड का वन ऑफ द एग्जाम्पल दिया जाता है, इफ समबडी कैन मेक यू एंग्री, यू आर अ स्लेव टू दैट पर्सन. अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो आप उसके गुलाम हैं. फिर बोलूँ, अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो आप उस इंसान के गुलाम हैं. Remember this, right? तो आपका जो इमोशन है, this is the only thing that can control the world around you. You cannot change anybody. ये rule है. You cannot change anybody. Yes, you can inspire people. Absolutely, लोगों को आप inspire कर सकते हैं. आप लोगों को बदल बिल्कुल नहीं सकते. तो क्या करें? तरीका क्या है? Then how will I proceed? मैं कैसे काम करूँ? Find people. खोजो उनको. खोजो. Because there are all kind of people. तो find the right people.
है ना, एक बीज है मेरे पास, मान लीजिए मैं अमेरिका से लेकर एक बीज को यहाँ पे कोलकाता में डाल रहा हूँ, वो उससे फूल नहीं निकल रहा है, तो क्या करूँ अब मैं, क्या फूल नहीं आएगा मेरे बगान में? नहीं, फाइंड सीड, वैसा बीज खोजो जो कलकत्ते में अच्छा उगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व. दैट इज व्हाई वी नीड टू स्प्रेड, उसलिए हमें फैलना पड़ता है, उसलिए लोगों से बात करना पड़ता है, नेटवर्क करना पड़ता है. इवेंचुअली आप देखेंगे लास्ट में आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपके काम आ रहे हैं, आपका काम हो गया. सो फ्यू थिंग्स, यस लोग आपके साथ बुरा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पर अगर आपने उस बात को अपने मन पे लेकर बैठा हुआ है तो नुकसान आपका प्रेजेंट का हो रहा है, और क्योंकि आपका प्रेजेंट खराब है तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा. तो एक तो आपको फ्यूचर का भी टेंशन होगा, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपका फ्यूचर भी खराब हो ही जाएगा. एक साल मान लीजिए मैंने टेंशन में बिता दिया कि, या गुस्से में बिता दिया, रिवेंज में बिता दिया. गीता में भी ऐसे लिखा ना, रिवेंज रिवेंज सब गलत चीज होता है. कर्म करो, फल का चिंता मत करो, यू कीप डूइंग द राइट थिंग. तो आपके लाइफ में जो बुरे लोग हैं, आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते चले जाना है और इमोशन को वहां पे आने नहीं देना है. एक और एग्जाम्पल दो, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा हर्ट करना चाहते हैं सीरियसली, है ना, मारवा देंगे तब तो जेल हो जाएगा, वो बात तो गलत है. हाउ कैन यू हर्ट समबडी रियली बैड? यू कैन हर्ट समबडी रियली रियली बैड इफ यू कम्प्लीटली इग्नोर द पर्सन एज इफ द पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट. मैं इसका एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. एक बहुत महान इंडियन इंसान है, ही इज लाइक द आई गेस ग्रेटेस्ट डॉक्टर या सर रिचेस्ट डॉक्टर आप उनको बोल सकते हैं ना, उनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा. सुना है किसी ने? एम्स का बंदा डॉक्टर था, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, एम्स से ने वो, नंबर वन. नंबर टू, ही इज अमेरिका का बिगेस्ट डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर है बंदा. बट ही डज नॉट डू एनी डॉक्टरी एज सच, ऑल्दो ही वाज अ प्रॉपर डॉक्टर, वो बात अलग है. ही वेंट इनटू फिलोसफी, ही वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो वो बंदा बहुत स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन वगैरह के क्लासेस करवाता है, सुपर सॉलिड, एंड ही इज लाइक एम्स, तो आप समझ रहे हैं एम्स का लेवल आईटी से भी ऊपर होता है, राइट? तो वैसा बनता है. तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा, राइट? And what does he essentially teach? He teaches stuff of the mind and stuff. So, आप मान लीजिए, meditation. हाँ मैम, आपको पता है ना? Very good, है ना? Meditation. और मेरा आपको कोई फोन का, sorry, interrupt कर रहा हूँ. आपने कोई नया सिम कार्ड वगैरह का पता किया क्या? अभी आज करिएगा थोड़ा, हाँ? सर, स्टोर में देख रही हूँ यहाँ पे. ठीक है फाइन, बिकॉज आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ठीक है. कमिंग बैक, अगर आप किसी को अपने माइंड में लेकर बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी थोड़ा आता है वैसा, तो एक तरीके से आपका हर्ट हो रहा है, नंबर वन. ठीक है, नंबर टू, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो है उन्होंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है, और उनका एक कंपनी, उसका नाम है गैलप. तो गैलप ने एक ऐसा रिसर्च किया, उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि हम लोगों के साथ जो हमारा यू नो इंटरेक्शन होता है या रिलेशनशिप होता है, उसके ऊपर लोगों का इफेक्ट कैसा होता है उनके हेल्थ के ऊपर या उनके प्रोफेशन के ऊपर, उनका हैप्पीनेस के ऊपर. तो एक हैप्पीनेस का रिसर्च का स्टडी का रिजल्ट बता रहा हूँ. उनका एक स्टडी यह था कि अगर मान लीजिए आप हैं और आपका एक हैप्पीनेस क्वेश्चन है, आपका हैप्पीनेस मेजरमेंट है, मान लीजिए आपको हैप्पीनेस में 100 में अभी 50 मिला हो, 50 मिला हो, फिर उन्होंने ऐसा देखा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नज़दीकी फ्रेंड है, वो बहुत हैप्पी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका हैप्पीनेस जो है 50 से वो 60 हो जाता है. तो इफ योर फ्रेंड्स क्लोज बाय आर हैप्पी, आपका 50 से 60 हो जाता है. देन दे फाउंड समथिंग इवन स्ट्रेंज, आपका 50 है, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का फ्रेंड जिसको आप नहीं जानते वो हैप्पी हो जाता है, तो आपका हैप्पीनेस भी बढ़ जाता है. डिस्कनेक्टेड बट इट वर्क्स, एक चीज. एक और एग्जाम्पल उन्होंने देखा, और ये थोड़ा डेंजरस चीज, इसको याद रखिएगा आई बिलीव. एक और उन्होंने क्या देखा कि कोई कंपनी है मान लीजिए, वहाँ पे एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, अगर जो बॉस है वो अच्छा बॉस है, एम्प्लॉय के साथ बातें करता है, अप्रिशिएट करता है कुछ सही या गलत, उसको हेल्प करता है, मदद करता है, मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप है बॉस के साथ, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है, हैप्पीनेस अच्छा होता है. मान लीजिए उसको होता है हेल्थ हैप्पीनेस परफॉर्मेंस में, उसको मान लीजिए एम्प्लॉय को मिलता है 80, ठीक है. फिर उन्होंने देखा कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको बॉस बात बात पे गाली देता है, मतलब एकदम डरा धमका के रखता है इस टाइप से, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि उसका हेल्थ हैप्पीनेस जो है उतना बुरा नहीं रहता है, वो से अराउंड 65-70 रहता है. तो जिसको पॉजिटिव है उसका 80 है, जिसके साथ नेगेटिव है उसका 65-70 के लेवल पे है, वो भी मगर काम ठीक ही कर लेता है. और उन्होंने देखा एक तीसरा केस, ऐसा एम्प्लॉय जिसके आसपास जो लोग हैं या फिर जो बॉस है वो इसको इग्नोर करता है कि काम कर रहा है करो बाहर में जाओ, वो वाला चीज़ है. वहां पे इन्होंने देखा एवरीथिंग डिक्रीजेस टू 50.
आप किसी को प्यार दे रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट. आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, नॉट सो परफेक्ट मगर नॉट सो बैड ऑल्सो, वो भी ठीक है. बट इफ यू इग्नोर अ पर्सन, तब जो उसको दर्द होता है, क्योंकि वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाता है उसका, वो है अहंकार. आदमी का जो बिगेस्ट फियर है वो है कि आई डोंट एग्जिस्ट, मेरा कोई वैल्यू नहीं है. एवरीबडी इज रनिंग आउट फॉर वैल्यू. और फिर आपको बताऊं, दीज आर थिंग्स विच आई हैव वन लर्न, टू नोन थ्रू एक्सपीरियंस. जो मैं बोल रहा था एब्सोल्युटली कन्विक्शन है इन चीजों में मेरा. आप अपने फैमिली में देख लीजिए, मान लीजिए कोई दादा दादी या वैसे कोई थोड़े एजेड लोग हैं, आप देखेंगे दे रन टू प्लेसेस वेयर उनका कोई इंपॉर्टेंस है. वो ऐसे आप बोले कि नहीं आप कंफर्टेबल रहो, आराम से रहो, शांति से रहो, नहीं. दे वॉन्ट टू गो टू प्लेस और डू समथिंग जहाँ पे उनको एक इम्पोर्टेंस मिला कि आप भी कुछ हैं, इवन इफ उसमें उनको परेशानी हो रही है. आप देखेंगे लोग बुरे हो जाते तो सबको पॉलिटिक्स में घुसना है. क्यों भाई, सब कुछ तो है, पैसा है, फैमिली है, सब कुछ है. पर अब क्या है ना कि फैमिली को उनका जरूरत नहीं, पैसा भी इतना पैसा और कमाने का कोई मतलब नहीं उनके लिए. तो अब वो लोग क्या करते, नहीं अपना इंपॉर्टेंस जताने के लिए तो बोलते हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को हमारा जरूरत है, जबरदस्ती पॉलिटिक्स में घुसते. यू सी, एंड दे आर गुड पीपल, दे आर दोस पीपल जिन्होंने अचीव किया लाइफ में, जिन्होंने बहुत कुछ कमाया, शार्प है दिमाग है. बिकॉज जब उनको लगता है कि अब आपका कोई वैल्यू नहीं है, तो दे आर लाइक माई गॉड, मेरा समझे, तो ईगो को सीधा हर्ट होता है. सो कमिंग बैक, वट कैन, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, अगर उसे असली बदला आप लेने का मतलब आपको ये करना है, आपके पास वो हिम्मत भी है, तो यू विल हैव टू इग्नोर द पर्सन. आप लगे ठीक है, तुमने बहुत बुरा किया था पर मैं बड़े दिल का इंसान हूँ, तो बाय टाटा. इफ यू कैन डू दैट, तो एक तो उसको सबसे ज्यादा हर्ट भी होगा और दूसरा आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा. तो वट इज द बेस्ट थिंग टू डू, आप बस एक बार आंख बंद करिए और आप एक बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा. आंख बंद करिए और मन में ही बोलिए कि तुमने बहुत बुरा किया है, बट आई फॉरगिव यू बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन विद द बिगेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड. बहुत बुरा किया बट यू आर लकी, यू डिड इट विद द राइट पर्सन. आप एक गांधी बन जाओ, आप एक यू नो क्राइस्ट बन जाओ. तो क्राइस्ट के साथ क्या हुआ था, लोगों ने सूर्य पे चढ़ाया, क्राइस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मुझे चढ़ा सकते सूर्य पे, मैं फिर भी तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा. जब लोग सूर्य पे चढ़ाए थे, क्राइस्ट फिर भी बोल रहे थे कि हे ईश्वर इनको माफ कर देना, मैंने तो माफ कर दिया, तुम भी ऐसा मत बोला कि नहीं माफ, तुम भी माफ कर देना, बिकॉज ये समझ नहीं है बेचारे अनजाने में कर. तो एनी वे यू लुक एट इट, अगर आप देखें कि बेचारा छोटा सा बच्चा था जितना बड़ा हो गया, तो भी माफ करना ही ठीक है. और दूसरी तरफ आप अपने को भी ये माने कि ठीक है, मैं एक बड़े दिल का इंसान, मैं क्यों नहीं माफ करूंगा, तो माफ करना ही ठीक हो गया. बट द मोमेंट यू डू दैट, बेनिफिट क्या है, हमारा माइंड है, राइट. बार बार मैं बोलता हूँ हमारा माइंड है ना. माइंड में क्या है, थॉट्स है, इमोशंस है. थॉट्स कहाँ से आते हैं, नॉलेज से आते हैं. नॉलेज तो आप आराम से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बुक्स है हमारे पास, तो आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं बुक्स. मगर प्रॉब्लम है हमारे इमोशंस हमें रोकता चला जाता है. तो व्हाट इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशंस, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिसको आप डाल सकते हैं, वो किसी को भी काट देते हैं. फिर एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए एक रूम में बहुत अंधेरा है, एक रूम में बहुत अंधेरा है, अगर मैं बोलूं कि देखो अंधेरे को मुझे काटना है, अगर मैं बोलूं अंधेरे को मुझे काटना है, तो हम कैसे काटेंगे अंधेरे को, क्या तरीका है, हाउ डू वी कट दिस डार्कनेस. मान लीजिए एक रूम में बहुत अंधेरा है, तो उसका डार्कनेस को हम कैसे काट सकते हैं, रोशनी डालने से. रोशनी डालने से, हाँ. तो एक मोमबत्ती जला के लीजिए, एक कैंडल जला लीजिए. तो अगर एक रूम में मैं कैंडल जला दूंगा, तो इंस्टेंटेनियसली जो डार्कनेस है वो गायब हो जाते हैं. इंस्टेंटेनियसली डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि यहाँ पे जो डार्कनेस है ये क्या 2 घंटे से अंधेरा है रूम में, या 2000 साल से अंधेरा है इस रूम में, उससे कोई फर्क पड़ता है. 2000 साल का अंधेरा जो एक कैंडल से नहीं जाने वाला, ऐसा होता है. थिंक, ऐसा तो नहीं होता है ना. तो अगर एक रूम में कितना भी अंधेरा है, आप अभी एक दिया जलाएं, सालों साल का अंधेरा गॉन. सिमिलरली मान लीजिए मेरे माइंड में नेगेटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशन मतलब सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, हेल्पलेसनेस है ना, ये सब को मैं अंधेरा अगर बोलूं, आई थिंक आई कैन डू दैट. तो गुड न्यूज क्या है कि अगर आप अभी एक लाइट चलाएंगे तो वो अभी खत्म हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कितने दिन पुराना है. और लाइट आपका बुझा तो वापस भी आ सकता है और आ ही जाता है, वो बात भी अलग है. तो क्या करना है, कोर यहाँ पे क्या है, कुछ इमोशंस है जो आपको समझना है कि वो दीज आर द गुड इमोशंस. अगर आप इमोशंस को अपने दिमाग में लाएं, और लाना काफी आसान है, उसका भी टेक्निक हम आते हैं. अगर आप इमोशन को दिमाग में लाएं, तो आप देखेंगे माय गॉड इजिली वो चला गया. सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट दो इमोशन अगर मैं बोलूं, तो पहला जो इमोशन होगा यहाँ पे
हम बोलेंगे उसको ग्रैटिट्यूड और दूसरे को हम बोलेंगे फॉरगिवनेस। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, है ना, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिया जलाना। कैसे दिया जलाए, देखिए मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठा, अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स है, हर किसी के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दिया कैसे जलाऊं, सॉरी अगर मैं प्रॉब्लम्स का सोचूंगा, अगर मैं प्रॉब्लम्स का सोच रहा हूँ तो वो अंधेरे का सोच रहा हूँ, तो अंधेरा रहेगा। तो दिया कैसे जला सकते हैं, बोल सकते हैं हे भगवान आज तो मैं जिंदा हूँ, अरे वाह दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज एक्चुअली एन अचीवमेंट। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपका दिन कम होना शुरू होगा। जिस दिन डॉक्टर बोलेगा ना कि सर आपके पास अब ज्यादा नहीं 15 दिन बचा है, अगर बोलेगा तो फिर सोचिए एक एक 15 दिन का क्या कीमत होगा, 100-100 करोड़ का एक एक दिन हो जाएगा, है ना। तो आज वो 100 करोड़ का दिन हमें मिला हुआ, पर आज उसका हमारे पास कोई कीमत नहीं, बिकॉज यू नो अगर आप सिर्फ ये सोचे लोग आई एम अलाइव टुडे, आई शुड थैंक समबडी फॉर दैट, किसी ईश्वर को, और किसी ईश्वर को नहीं तो कम से कम अपना दिल को तो आप थैंक कर सकते कि भाई मैंने इतना फालतू फालतू खाना खाया, इतना ऑयली खाना खाया, इतना गंदा खाना खाया, फिर भी तुम अभी तक धड़कते जा रहे हो। तुमने बोला था एप्पल दो और मैंने एप्पल की जगह एग रोल खा लिया, फिर भी तुम धड़क रहे हो। तुमने बोला था एक केला तो मैंने केले की जगह पराठे खा लिए, फिर भी तुम धड़क रहे हो। तो अगर आप उसको वो थैंक यू बोले कि थैंक्स भाई आज तुम चल रहे हो, बिकॉज वो चलना बंद कर दे तो सोचिए क्या होगा, मैं निकल नारायण का क्या होगा मेरा आपका। अगर वो हार्ट बोले कि और नहीं धड़कना तो व्हाट विल हैपन टू मी, यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। तो अगर आप आज हेल्दी हैं, आज अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर में कोई दर्द नहीं है, कहीं पे चोट नहीं लगा आपको, तो यू शुड थैंक माय गॉड अभी मैं हेल्दी हूँ, है ना। इतना सारा चीज है जिसके कारण आज आप यहाँ पे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो भी आपको दिया, किसी ने जिस टेबल पे आप बैठे, चेयर बैठे हैं, तो किसी ने कितना पसीना बहा के उसको बनाया होगा, है ना। जिस लैपटॉप में है, जब आप लाइट भी देख रहे हैं, तो किसी ने कितना सालों साल मेहनत करके एक लाइट का बल्ब बनाया था, तब जाके संभव हो पाया। तो थोड़ा उसको थैंक कर दीजिए। प्लेट में जो खाना है, तुझे बहुत सारा पेड़ था जिसने इतना सुंदर फल निकाला, फूल निकाला, जो कट के आज यहाँ पे आ गया, थोड़ा उसको थैंक कर दीजिए। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसा चीज है, आप देखेंगे तो इतना सारा मौका मिलेगा आपको ग्रैटिट्यूड का, है ना, कोई कमी नहीं है। मतलब कैंडल फेंका हुआ है, बस आपको जलाने का देर, अंधेरा भी उतना है और कैंडल भी उतना है। अब आप चूज करेंगे मैं कितना दिया जलाऊं, और जो दिया जलाता चला जाएगा उसका घर एकदम दिवाली हो जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा, वो अंधेरे में वो घर दिवाली जैसा चमकेगा। क्यों? बिकॉज ये हर चीज को ग्रैटिट्यूड से देख रहा है। माय गॉड ये नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता, ये नहीं होता तो आज मैं कितना दुखी होता। तो एवरीथिंग विच यू लुक अराउंड यू विल कैन गिव यू दैट फीलिंग पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत कीमती चीज है, वो एक माइंड में अगर हम होल्ड करके रखना शुरू करें तो माइंड एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत। सेकेंड है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के लिए आप मुझे एक चीज देखेंगे, हमेशा मैं कई बार बातें करूंगा जो बिल्कुल अनएथिकल होगा, और फिर मैं ये भी बोलूंगा लुक मैंने दुनिया नहीं बनाया, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। हम गलती क्या करते हैं, जैसे हमारे इसमें विष्णु पुराण में पुराना स्टोरी, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, 1 मिनट की कोशिश करता हूँ। पुराना स्टोरी के एक मनु था, मनु जिससे मैन आया, मनु मनुस्मृति अगर आप जानते हैं, वर्ल्ड का जो सबसे पुराना किताब माना जाता है मनुस्मृति है वो, है ना। वो उसका दूसरा साइड ये है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट या मैनिफेस्ट। मैं बोलते सर मैनिफेस्ट क्या, मैनुस्क्रिप्ट क्या है सर, वाई पेज पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैं अगर बोलूँ कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्मृति से कोई समझेगा नहीं, बट एवरीथिंग इज लाइक दैट राइट। इंग्लिश जो हमारा है ना पूरा, वो संस्कृत से बोर हो गया। अहम बन गया आई, मैं बन गया मी, आंख बन गया आई, नाक बन गया नोज, आप समझ रहे हैं, हाथ बन गया हैंड, लात बन गया लेग, वो बात अलग है। माँ माता मदर मॉम इस टाइप से, हाँ कमिंग वापस आते हैं। तो एक है आपका ग्रैटिट्यूड और एक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्यों, बिकॉज अगर आप देखेंगे इस दुनिया में, जो भी आप देख रहे हैं इस दुनिया में, किसने बनाया, कैसे बनाया, हमें नहीं पता। बस हम इस दुनिया में आ गए और हम आने के बाद हम बोले कि नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आपको मैंने एक साइंटिस्ट लोगों के बीच में बैठा दिया, तो सारे साइंटिस्ट लोग हो ना एकदम बड़ा बड़ा PhD है सबके पास, और सभी लोग मान लीजिए वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और आप बैठ के बोलने लगे ए डॉक्टर तूने ये कोट कैसे पहला ठीक करो, इसको ये क्या कर रहे हो, इतने देर से माइक्रोस्कोप लगा इधर आओ, हाँ कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम क्या करो, आग बंद करके सोच क्या रहे हो। मान लीजिए हमने अपना वैसा करना शुरू कर दिया तो कितना बेवकूफी लगेगा कि कहाँ से एक बंदर आ गया हमारे बीच, है ना। और हम हैं क्या, हम बंदर ही हैं, भगवान के सामने हम बंदर नहीं तो क्या है। हम दूसरे बंदरों के सामने हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इससे उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ बिकॉज सभी तो बंदर है, पर भगवान के सामने हमारा क्या विसात, हमारा क्या वैल्यू,
जिसने इस दुनिया को बनाया उसके सामने कौन सा आइंस्टाइन कहाँ खड़ा हो सकता है उस आदमी के सामने जिसने मुझे आपको बनाया, राइट? हमें तो पता भी नहीं वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो वहां पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप एक छोटा सा काम करें, जज करना बंद कर दें। आप बोले कि ठीक है, ये रहा दुनिया, ये है पैसा, ये है दुनिया, ये है रिलेशनशिप, ये है शादी, ये है फैमिली, ये है दोस्ती, ये है प्यार। आप ये सब देख लें कि ऐसा है। आप बस इतना करें कि मैं सही गलत नहीं बोलूंगा तो आपका लाइफ एकदम सेट है, अब आप शांत हो गए। और आदमी शांत नहीं तो फिर बड़ा काम करेगा कैसे? मैं बार बार ये बार बोलता हूँ, सेम हार्डवेयर, सेम हार्डवेयर, सेम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले वायरस निकालना है। क्या वायरस है? वो अंधेरे का वायरस, वो हेट्रेड का, वो आंगर का, जलसी का वायरस। तो आप अगर शांत हो जाए, आप माफ कर दें। आप अगर माफ करेंगे तो दो चीज होगा, एक तो पुराना जो एंगर था वो चला जाएगा, और दूसरा क्योंकि अब स्लेट आपने साफ कर दिया, आप इसमें कुछ ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। मेरे पास एक स्लेट है, मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे मैंने गंदगी लिखा हुआ, इसको माना, उसको माना, इसको माना, उसको माना। क्या मूवी था, आमिर खान का एक मूवी था ना, कॉपी मारा हुआ, हर जगह नंबर लिखा रहता है उसने, व्हाट वाज द मूवी? गजनी, गजनी, गजनी सर। और ओरिजिनल किसको पता है गजनी? ओरिजिनल मूवी क्या नाम था? गजनी एक ट्रू कॉपी है मूवी का। ट्रू कॉपी मतलब पूरा ट्रू कॉपी, कुछ होता है कि चलो इंस्पायर्ड मूवी नहीं, गजनी इज 100% कॉपी। उसमें एक एक पोस्टर तक, उसका स्टोरी लाइन तक, एवरीथिंग, टैटू तक, सब कुछ एक दूसरे इंग्लिश मूवी से कॉपी है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट। एंड द इंग्लिश मूवी इज एक्चुअली स्टिल बेटर दैन आमिर खान, वो बात भी अलग है। इफ यू नीड टू वॉच बोथ टू अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका जिंदगी का लाइफ जो है ना, आपका जिंदगी का जो ब्लैकबोर्ड भी है ना, वो भी ऐसे लिखा रह सकता है कि इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, इसने ऐसा गलत किया, इसने ये किया, इसने वो किया, एक्सेट्रा। आप उनके पीछे जा सकते हैं या आप साफ कर सकते हैं। अगर आपने साफ किया, खाली कर दिया, मान लीजिए एक वाइट बोर्ड आपके सामने कुछ नहीं, कैनवस है जिसमें कोई पेंटिंग नहीं है, और आपने गंदी पेंटिंग को निकाल के अभी फेंका है, तो अब आपको एक जगह मिलेगा एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाने का। और अगर आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाएंगे यहाँ पे, तो आपका लाइफ बदल गया। पर हम क्या करते हैं, वो गंदगी को फेंकते नहीं है। तो इमोशंस, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? आप नेगेटिव इमोशंस से फाइट नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना, बट दे नेवर सक्सीड, एंड दैट इज व्हाई, लाइक यू नो, मतलब मुझे दुख भी होता है, बट देन इट्स ओके, बिकॉज सी दैट इज हाउ द गॉड वांटेड इट। इफ यू हैव अ नेगेटिव इमोशन, मान लीजिए आप डिप्रेशन में, तो डॉक्टर्स दवाई देते हैं। आप अगर ऐसे लोगों से बात करेंगे जो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसे 100 लोगों से मैं मिला हूँ who have taken medication due to this reason or that reason, and not one person, not ek insaan aisa ho mila mujhe jisne medication liya aur usko fayda mila, ek insaan nahi mila. Maine to yahan tak, agar aap mujhse puchenge, agar mera koi apna, maan lijiye apna koi dil ke nazdeek insaan hai, koi bhai hai, koi maan lijiye apna koi bachcha hai, wo agar aise problem mein aayega, main bolunga bhai ek kaam karo, doctor jo dawai de raha hai na, उससे अच्छा तुम किसी तरह का छोटा नशा ही कर लो। दिस वीड, आपने सुना होगा वीड, किसने सुना? वीड को क्या बोलते हैं? वीड का बहुत सारा नाम है ना, वीड, 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 हु नोज अबाउट वीड? मुझे उसके बारे ठीक से नहीं पता। हाँ सर, गांजा, गांजा, राइट, राइट, हाँ गांजा, गंजा, गांजा, अब याद आएगा मुझे। हाँ ठीक है, ओके, सो देयर इज दिस कांसेप्ट ऑफ गांजा, राइट? और अगर आप क्लिनिकली रिसर्च करेंगे, क्लिनिकल रिसर्च करेंगे, तो शायद आपको ये पता चले दैट दिस गांजा इज एक्चुअली मच बेटर देन मेनी ऑफ द मेडिसिंस व्हिच द डॉक्टर्स आर गिविंग टू पेशेंट्स टुडे, राइट नाउ, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। या राइट सर, एक्चुअली गांजा से अभी कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हां, मतलब पॉइंट यहां पे ये है मेरा कि सर भी तो बोला कुछ नहीं है। ओके ओके, अभी अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा सेटअप। आई हैव अ गुड माइक्रोफोन, सोनी का माइक्रोफोन वगैरह है मेरे पास, बट आई डोंट हैव द दिस थिंग फॉर होल्डर वोल्डर, वो सब नहीं है मेरे पास। तो अभी आई सेट दोस थिंग्स अप, थोड़ी देर में कर देंगे। ऑफिस में होता तो अभी हो जाता, बट ऑफिस जाना। सर उस मूवी का नाम मोमेंटो है शायद। मोमेंटो, एग्जैक्टली, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आई सॉ द मूवी बट आई फॉरगेट, आई हैव अ बैड मेमोरी। ओके, बैड मेमोरी फॉर द रॉन्ग थिंग्स, फॉर द राइट थिंग्स मेरा मेमोरी एक बार याद हुआ तो फिर आप निकाल नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग आई गेस। मुझे भी नहीं पता था ये बात। एक आदमी से मिला, रिच का करोड़पति बंदा,
लाइक उनका 500 करोड़ का बिजनेस है अपना, ठीक है. एंड ही केम टू, वो मेरे पास सीख रहे थे. क्या सीख रहे थे? ही केम टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स. ब्रिलियंट पर्सन. उनका मैं आपको फोटो वोटो दिखाऊंगा, हमने वेबसाइट वगैरह पे डाला हुआ है. कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब स्पीच देना. उनका क्या हुआ था, ही हैज अ बिग फैक्ट्री, मल्टीपल फैक्ट्रीज एक्चुअली. तो उनको हर साल जाके ना फैक्ट्री के सामने स्पीच देना होता है. तो उन्होंने बोला कि निखिल जी आई वेंट टू दिस, कोई 350-400 लोग होंगे, उनके सामने मुझे माइक पकड़ा दिया. हाँ, एंड आई स्टूड अप एंड माय माइंड वेंट डाउन. मैं बैठ गया, उन्होंने ऐसा बोला. तो ही डिड अ शॉर्ट कोर्स विद मी ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, है ना. और उन्होंने भी कुछ मतलब बातें मुझे सिखाई, मैंने भी उनसे बहुत सारा चीज़ सीखा. वन ऑफ द थिंग्स दैट ही टॉट मी वॉज, जो मैं आपसे मैंने शायद बोला भी होगा कभी बातों बातों में, मैंने ऐसा बोला ना कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो डोंट आस्क अ 12th पास का है. ऐसा बोला मैंने कभी ना? आपने कल ही मुझे ऐसा कुछ बोला. कल ही ऐसा कुछ बोला ना मैंने. ठीक है, ठीक है. तो दिस आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट वाज राइट, बिकॉज उन्होंने भी जो अपना कंपनी शुरू किया था ना, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम यू नो जीरो इन दैट सेंस. तो उन्होंने, उनसे लोगों ने पूछा हमारे, मैंने क्या किया था, प्रैक्टिकल में बहुत करवाता हूँ. और उनको मैंने पहले टेक्निक सिखा दी, फिर मैंने बोला देखिए यू हैव द राइट स्किल्स. हाँ, आपने 500 करोड़ का बिजनेस किया, वो तो कोई जोक नहीं है. यू हैव द राइट स्किल्स. थ्योरी सिखा दिया. फिर मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि देखिए एक सर आने वाले हैं, वो आपको बताएंगे और आप उनसे बात करो जो क्वेश्चन पूछना है. तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि सर आपने कैसे किया, क्या किया. तो एक बंदे ने पूछा कि सर देखिए ना, मैं भी अपना बिजनेस करना चाहता हूँ पर मैं जिससे पूछता हूँ मना कर देते हैं, तो क्या करूँ. उसने बोला तुम पूछने क्यों जाते हो उनसे जिन्होंने ये काम किया ही नहीं, जिन्होंने ये काम किया ही नहीं, तुम उनसे क्यों पूछने. उनसे पूछो जिन्होंने ये काम किया. तो सेम चीज जो मैंने बलबीर को कल बोला, टेक्निकली दैट वॉज कॉपी, बट देन एवरी वर्ड इज कॉपी, वो बात अलग. तो उन्होंने जब मुझे देखा, हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बार कि बिकॉज ही इज लाइक स्मोकिंग नॉन स्टॉप, स्मोकिंग नॉन स्टॉप. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि निखिल वुड यू लाइक अ सिगरेट, जैसे मैंने ऑफिस में. तो मैंने बोला नो सर आई डोंट स्मोक. देन ही लुक्ड एट माय लिप्स टू वेरीफाई एंड देन ही सेड कि ठीक बोला आपने. तो वो चेक कर रहे थे बिकॉज यूजिंग लुकिंग एट द लिप्स वो बता सकते थे आई वाज स्मोकर और नॉट. पॉइंट बी, बट गांजा मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट कि जितना मैंने रिसर्च किया, दिस मे बी रॉन्ग बट स्टिल आई विल डिफेंड दिस पॉइंट, कि मैंने आज तक एक ऐसे बंदे को नहीं देखा जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास गया और उसने मेडिसिन लिया और कोई फायदा हुआ. पर ऐसे लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा जिन लोगों ने मेडिटेशन किया और बंदे का जिंदगी बदल दिया. दिस इज समथिंग दैट आई कैन साइंटिफिकली प्रूव. आई कैन टेक ऑन एनी साइकेट्रिस्ट, एनी साइकोलॉजिस्ट, अगर वो बैठने को रेडी है आई कैन टेक हिम ऑन एनी साइको. ऑनलाइन आप चाहे तो लाइव आप चाहे तो आई कैन टेक हिम ऑन, दैट आई कैन डू बिकॉज दिस इज प्योर फैक्ट. और इसीलिए जैसे आप कुछ इसका रफ, इसका मैं आपको बेसिस बता दूँ, मैं इतने कॉलेज से कैसे बोला, उसके पीछे रीजन क्या, छोटा सा एक रीजन है वो बता दूँ. सॉरी बिकॉज टाइम इज आ रहा है. रीजन ये है, हर चीज़ आप देखेंगे दो चीज़ों से बना है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम टू थिंग्स. जैसे हम बोलते हैं कि अंधेरा है तो लाइट है, अंधेरा नहीं होता तो लाइट नहीं होता, जीवन नहीं होता तो मृत्यु नहीं होता, गर्मी नहीं होता तो ठंडा नहीं होता. तो एवरीथिंग हैज टू हैव टू थिंग्स. अगर टू नहीं तो यू कैन नॉट एग्जिस्ट. तो वर्ल्ड में क्या है, एक चीज तो आप सबको दिखाई देता है, वर्ल्ड में एक चीज है, वो है चेंज. एवरीथिंग अराउंड यू नॉन स्टॉप इज चेंजिंग. हर दिन दुनिया बदल जा रहा है. कोई शक अगर आपको है तो आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत है. आप सोचते हैं मैं नहीं बदलता, आप बिल्कुल गलत फहमी में. आपका स्किन जो है 6 महीने में पूरा बदल जाएगा. और स्किन है जो दिखाई दे रहा है, स्किन के अंदर जो है वो तो 1 महीने में पूरा बदल जाएगा. आपके बॉडी में अभी जो पानी है आपका, मान लीजिए 70 किलो वेट है तो 50 किलो तो आपका पानी है. 50 किलो पानी आप 1 महीने में तो उससे ज्यादा 100 किलो से ज्यादा पानी पी लेता है. 1 महीने में आदमी 100 किलो पानी खा लेता है. आपका बॉडी में 50 किलो पानी, एक एक मॉलिक्यूल आपका बदल जाएगा. एवरीथिंग इज चेंजिंग राइट नाउ. कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो स्टैटिक है. नॉट इवन अ गोल्ड, नॉट इवन एनीथिंग. आपका जो टेबल है वो अभी डिकम्पोज कर रहा है. एवरीथिंग इज डिकम्पोजिंग. हर चीज बदल रहे हैं. हाँ, कुछ कम कुछ फास्ट. अगर ये एक फैक्ट है तो याद रखिए एक दूसरा भी फैक्ट होगा दुनिया में, दैट देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज स्टैटिक और था रहेगा. प्रॉब्लम ये है कि जब हम माइंड का इमोशन का बात करते हैं तो वो स्टैटिक से रिलेटेड है. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. एक है दुनिया का साइंस. साइंस जो ये डायनामिक है, मतलब कि बदलता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा. पुराना साइंस आज किसी काम का नहीं. पुराने के ऊपर आज हमने नया बना लिया. जैसे आप एक पुराना कंप्यूटर दे दे 100 साल तो नहीं, 50 साल पुराना कंप्यूटर आप ले ले, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं. आज का कंप्यूटर बिल्कुल आ गया. तो साइंस एक ऐसा चीज जिसको आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं.
और दूसरी तरफ स्टैटिक क्या है, स्टैटिक आप देखो जैसे हो गया प्यार। क्या किसी को अगर प्यार के बारे में जानना है तो कोई स्कूल कॉलेज में सीख सकता है? नहीं, देयर इज ओनली वन वे, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। और प्यार तो बस एक एग्जांपल मैंने दिया, एनी एंड ऑल एक्सपीरियंसेस आर लाइक दैट। कोई भी चीज फीलिंग जो होता है, कोई भी चीज, मान लीजिए गुस्सा, अगर किसी को आज तक गुस्सा आया नहीं, आप कितना भी बताओ वो सीख नहीं सकता, अनलेस यू सी। तो सिंपल चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, टेस्ट एक सिंपल चीज है, ब्यूटी एक सिंपल चीज है, लव एक सिंपल चीज है, नेगेटिव साइड भी पर उसका जरूरत के नाम देने का है ना, डू दे एग्जिस्ट? यस। क्या आप इसको कोई भी साइंटिफिक तरीके से मेजर कर सकते? नो। कैन यू मेजर हाउ हैप्पी यू आर? नेवर। कैन यू मेजर हाउ ब्यूटीफुल अ पर्सन इज? नेवर। इज देयर एनी मेजरमेंट ऑफ दैट? नो। इज देयर अ मेजरमेंट ऑफ टेस्ट? नो। आप मेजर कर सकते कौन सा गाना अच्छा गाना है? नो। कुछ चीजों का, संगीत का कोई मेजरमेंट हो नहीं सकता, दीज आर स्टैटिक। और स्टैटिक मतलब ये है कि दुनिया में कभी नहीं बदलते। तो माइंड का जो काम है, सोल का जो काम है, आत्मा जैसे कृष्ण भी कहते हैं ना, आत्मा वो चीज है जो स्टैटिक है, शरीर वो चीज है जो चेंज करते हैं, और वो दोनों को मिलकर हम बने, नहीं तो हम बनते नहीं। प्रॉब्लम इज जो भी साइकियाट्री में जो भी डॉक्टर है बेचारा, उसको ये पता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में साइंस हमें कुछ नहीं बता सकता। तो सिर्फ वो साइकियाट्रिस्ट, अगेन दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोज जो लाइव जाएगा, ठीक है, सिर्फ वो साइकियाट्रिस्ट है वो अच्छा कर सकता है जो साइकियाट्रिस्ट साइंस का इस्तेमाल करता है, मेडिटेशन, मैंने आपको जो इमोशंस बोला, इमोशंस जैसे कि मान लीजिए फॉरगिवनेस हो गया, वो सिखाता है। सिर्फ वो साइकियाट्रिस्ट अच्छा कर सकता है जो लोगों को सिखाता है कि नहीं ग्रैटिट्यूड। यानी वहां पे आप देखें गौतम बुद्ध जो हजारों साल पहले आए थे, उनका टीचिंग आज भी वन ऑफ द बेस्ट, मेरे ख्याल से तो बेस्ट है पर हर कोई अग्री नहीं करेगा, तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट। और ऐसा कौन सा साइंस का टीचिंग है जो 2000 साल पुराना तो आज का है? तो साइंस आप नहीं लगा सकते इस जगह पे जो है माइंड, और माइंड मेरा मतलब इमोशन का बात कर रहा हूँ, तो वो आप लगा नहीं सकते। वहां पे जो लगाएगा उसको वही चीज हो जाएगा जैसे बाबा रामदेव जो है वो आयुर्वेद से कोविड को मारने जा रहे हैं। काम करेगा कि नहीं करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट सी वहां पे बाबा रामदेव कुछ गलत कर रहे हैं। किसी को कैंसर हो गया तो बाबा रामदेव बोले जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाओगे, बाबा रामदेव जो गलती कर रहे वो ये है, वो वहां पे माइंड लगा रहे। काम करेगा बिल्कुल करेगा, कितना करेगा 100% कभी नहीं करेगा। जो साइंस है उसको साइंस के लिए छोड़ दो। बहुत सारा चीज आप मेंटल चीजों से कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है, आपको एक भारी सामान को उठाना है और आप उठा नहीं पा रहे, तो मैंने क्या किया, साइंस आपको एक मशीन बना देगा, आप आराम से उठा लेंगे। क्या और कोई तरीका है? हाँ, और एक तरीका है, आप अगर आंख बंद करके मेडिटेट करें तो आपके अंदर उतना एनर्जी आ जाएगा, आप उस सामान को उठा पाएंगे। पर ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो बाबा रामदेव जो काम कर रहे हैं वो सही तरीका बिल्कुल नहीं है, बिकॉज माइंड जो है वो सबके लिए इक्वल नहीं काम करता, मेडिटेशन वगैरह सबके लिए सेम काम नहीं करता, जबकि साइंस सबके लिए इक्वल है। तो वो साइंस के लिए छोड़ देना ठीक रहता है, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन होगा। तो जहाँ पे साइंस है वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मत लगाओ, और जहाँ पे स्पिरिचुअल लोग, जहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर का जरूरत है, वहाँ पे बाबा जी को यू नो मतलब लाल कपड़ा पहन के मत भेजो, बाबा जी आप मंदिर में ठीक है इन दैट सेंस, राइट? और ये बात ठीक है, यू ऐड इट। बेस्ट मेडिसिन क्या है? बेस्ट मेडिसिन है व्हेन यू हैव एलोपैथी एंड होम्योपैथी। अकेला होम्योपैथी तो फ्रॉड है, साइंटिफिकली आप देखेंगे होम्योपैथी फ्रॉड है, पर आप स्पिरिचुअली देखेंगे तो एलोपैथी फ्रॉड है। स्पिरिचुअली देखेंगे आदमी बहुत दुखी है, उसे दारू पी लिया, वो हंसने लगा, तो क्या ये नकली है? ये असली असली हम लोग ये नकली है, ये एलोपैथी है, ये केमिकल डाल दिया बॉडी में तो वो हंसने लगा, दिस इज एलोपैथी। तो आदमी हंस रहा है, हम तो बोलेंगे एक बात सच है, नहीं ये नकली है, राइट? एक आदमी दुखी, आप उसको दारू पिला दे रहे, वो खुश होकर डांस करने लगा, आप एक यू नो N2O गैस दे रहे, लाइक लाफिंग गैस, व्हाट्स दैट, NO2 में, आई डोंट रिमेंबर, आप उसको लाफिंग गैस दे दे, वो लाफ करने लगा, इज दैट करेक्ट? नो, वो स्पिरिचुअली धोखा है, साइंटिफिकली करेक्ट। वी नीड बोथ, वी आर स्पिरिचुअल एंड वी आर यू नो हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक, बोलते हैं कि हमारा साइक भी है और हमारा सोमा यानी बॉडी भी है, दिमाग भी है। इफ यू हैव दैट सॉल्यूशन परफेक्ट हो गया। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, मैं थोड़ा फाइनलाइज कर दूँ उसको, वो ये है मैम, योर माइंड, मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ, सब इस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज बॉडी को तो आपने केयर किया हुआ है एंड यू ऑलरेडी हैव अ परफेक्ट बॉडी, तो बॉडी का तो टेंशन नहीं है। जो प्रॉब्लम है हमें, वी हैव इनसाइड। तो मैं आधा ही पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, माइंड इटसेल्फ इज हाफ द पिक्चर, बट माय प्रॉब्लम आई रियलाइज वाज कि पीपल ऑलरेडी हैव द अदर पिक्चर करेक्ट, इसलिए मैं इस तरफ ध्यान दे रहा हूँ। सिर्फ माइंड से कुछ नहीं हो सकता, बात सच, एक्शन देना पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट देन एक्शन तो लोग ले ही रहे नॉन स्टॉप, माइंड का काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो फॉरगिव एवरीबॉडी, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया माफ कर दो, और आपको लोग मिलेंगे, और मैं तो मतलब आप
शायद समझ भी पा रहे हो इस बात को, तो मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस का इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ. एंड इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन इग्नोर देम, एंड इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप उनको जिम्मेदारी मत निभाओ, आप अपना जिम्मेदारी लाइफ में हर किसी के लिए पूरा निभाओ. यू बिकम द परफेक्ट पर्सन. कोई आपके साथ बुरा करे, कोई आपको गाली दे, आपको आपको झगड़ा करेंगे लोग, आप एक स्माइल लेके घर पे बैठ जाओ तो अभी झगड़ा हो जाएगा. तो आप क्या करो, अपने ऊपर ध्यान दो कि लेट मी नॉट बिकम एंग्री एंड डोंट फाइट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड दिस थिंग. अपने माइंड से फाइट मत करिए कि मेरे को गुस्सा क्यों आता, फिर आप गुस्से के लिए गुस्सा होगा, वो मत करिए. समझिए जो बातों को बोल रहे, एक बार आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा. एंड वंस यू इन दैट सेंस ऑफ सेट ऑफ इमोशन, उस लेवल पे आप आ गए, तो फिर आप देखेंगे आगे बढ़ना बहुत स्मूथ हो गया. आपके पास एक स्मूथ रास्ता तो आ गया, आप हाई स्पीड में दौड़ लगा सकते हैं. और वही आपको मान लीजिए कुछ बड़ा काम, आपको करोड़पति भी बनना है, पर आप बात बात में कभी गुस्सा हो जाते, कभी किसी के ऊपर गाली दे देते, तो फिर करोड़पति कैसे बनेगा? दिमाग का खेल है ना, दिमाग को एकदम शांत स्वभाव कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए. देन यू कैन बिकम अ लीडर, बिकॉज पीपल वॉन्ट दैट काइंड ऑफ पीपल, है ना, जो एकदम शांत है. आई होप दैट वॉज द वेरी लॉन्ग आंसर, सॉरी, टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. थैंक यू. Most welcome. किसी और का अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पहले ले लेता हूं मैं. ठीक है, now let's move on to the topic. हमारा ट्रेनिंग जो चलेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग यू विल हैव टू चेंज. बस एक चीज मैं आपको जरूर कर सकता हूँ कि मैं उसके पीछे लॉजिक लगा सकता हूँ. तो मेरे साथ आपको क्या अच्छा चीज मिलेगा कि आपको अगर सही काम और गलत काम में कोई डिफरेंस दिखा दे कि ओके दिस इज द राइट रीजन, दिस इज द रॉन्ग रीजन, तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा. मान लीजिए हमें कर्स है पर्सनालिटी बनाना है, हमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो व्हाट काइंड ऑफ नेचर शुड वी हैव? शुड वी बिकम द पर्सन जो मेरे से कोई पंगा ले तो छोड़ेंगे नहीं वैसे बन जाए, या शुड वी बिकम द पर्सन लाइक गांधी जी? तो मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसका क्या फायदा है. और एक बार आपको आंसर मिल जाए, एक्सप्लेनेशन कोई डेप्थ में चला जाए इन बातों के ऊपर ना, तो आपके लिए डिसाइड करना इजी हो जाता है. तो दैट इज व्हाट माय यू नो कॉन्फिडेंस इज आल्सो, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं कर पाऊंगा, है ना. और मेरे साथ अगर आप आ रहे तो इसका बेनिफिट भी है. ठीक है, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज आप अगर अपने आप को चेंज करने जाएंगे तो एवरीथिंग विच यू हैव बीन टॉट और विच यू नो, आपको वो क्लैश करेगा, वो आपका नॉलेज के साथ क्लैश. अभी आप जो जानते हैं और जो आपको बनना है उसमें आप देखें क्लैश करेगा. कुछ चीज ये अच्छा बात यह है कि सॉरी अच्छा बात यह है कि अभी जो हम ये कर रहे हैं, मतलब टारगेट करोड़पति वाला, इसमें मनी इज इजी, है ना. बट सी, मनी इज इजी ओनली टू अ सर्टेन लेवल. एक लेवल तक आप देखेंगे कि आप आराम से पैसे कमा पा रहे हैं. आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, वो तो आराम से निकल जाएगा. थोड़े दिन का बात है, दो चार दिन का बात है, एक बार शुरू होने दीजिए. ठीक है, आपको लेकर के मैक्सिमम वन मंथ. ठीक है, और वन मंथ भी मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, बिकॉज मुझे आप लोगों को एक बार वैसे रेडी कर देना है. कैसे रेडी करना है? कि आप समझ जाएं, आप समझ जाएं जो हमारा सोच है. बायोस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, ओएस हम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम बायोस पे काम करना शुरू कर दें. और बायोस क्या है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है. तो यू कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ आपको वो बेसिक गाइडलाइन मिल जाए. मैं एक और एग्जाम्पल थोड़ा बताता हूँ इसका क्या मतलब है. हाँ, एक महादेव देसाई थे जो गांधी जी के साथ हमेशा रहते थे, उनके लाइक द राइट हैंड थे. और होता क्या था कि गांधी जी तो आप जानते कितने फेमस इंसान, और उस समय तो ईमेल नहीं होता था, लेटर्स आते थे, चिट्ठी आते थे. तो गांधी जी के पास हर दिन बहुत सारा चिट्ठी आएगा, 100-100 चिट्ठी आएगा, और गांधी जी को रिप्लाई करना होगा. तो उन्होंने क्या किया था, महादेव देसाई को रखा हुआ था, एंड जो उनको क्वेश्चन आता था गांधी जी को, तो कई बार ऐसा होता था कि उसका रिप्लाई जो है वो गांधी जी लिखते नहीं थे, महादेव देसाई लिख के भेज देते थे. तो एक दूसरे इंसान को ऐसा लगा, हाँ कोई दूसरे इंसान था, मुझे नाम नहीं आता, वो भी कोई बड़ा इंसान था, उन्होंने ऐसा बोला कि गांधी जी ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, चिट्ठी आया है आपको, चिट्ठी आया आपको और जवाब दे रहे महादेव देसाई, ये बात तो ठीक नहीं लगता मुझे. तो गांधी जी ने बोला ना, वो मेरे साथ इतने अच्छे से रह चुका महादेव देसाई, कि वो जो बोलता है वही असली है, कई बार मैं गलती कर देता हूँ, वो गलती नहीं करता. और ये बात एक्चुअली बहुत गहरा बात है, बहुत सच बात है. फिर आपको बता दूं, मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरे बायोस को समझ लें. बार बार मान लीजिए मैं ये भी आपको बोलूंगा कि बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बोलूंगा गांधी जी बोलते थे, गांधी का अगर मैं बार बार नाम ले रहा हूँ तो कुछ तो रिस्पेक्ट है, कहीं पे गाली भी देता हूँ बट देन जस्टिफाई भी करता हूँ, कुछ तो सही है उनमें. तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो लोगों को फॉरगिव कर देता है, इसलिए नहीं कर देता बिकॉज मतलब
वो कुछ उसे पाना चाहते, इसलिए कर देता बिकॉज वो समझ गया कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। हम जैसे इनके लिए कहते हैं, महावीर के लिए कहते हैं या बुद्ध के लिए भी कहते हैं कि वो लोग ऐसे लोग थे ना जिनको अगर आप कुछ भी करो, पत्थर मारो तो वो कभी जवाब नहीं देते थे। तो लोग सोचते थे कितना दयालु आदमी, नहीं दयालु मत बनने चाहिए, दयालु क्यों बनना, वो दयालु नहीं थे। प्रॉब्लम ये था कि उनके अंदर दया भरा हुआ था, तो आप कुछ भी मारोगे तो दया ही निकलेगा। आप एक पेड़ के सामने जा रहे हैं और पेड़ के ऊपर मान लीजिए बंदर बंदर चरा हुआ, ठीक है, आप अगर पत्थर मारोगे तो आप देखते हैं बंदर सब भाग रहे हैं वहां से, या फिर बंदर आपके पीछे आ रहे हैं। आप एक पेड़ पे जा रहे हैं, एक पेड़ पे कौवा बैठा हुआ, पत्थर मारोगे तो कौवा जाएगा। आप एक पेड़ पे देख रहे हैं, पेड़ पे खाली फूल है, आप पत्थर मारोगे तो पेड़ से क्या गिरेगा, कौवा तो नहीं निकलेगा। आप पेड़ पे पत्थर मारोगे जिसमें फूल है तो ज्यादा से ज्यादा फूल ही तो गिरेगा ना। तो अब ये नहीं बोल सकते ना कि पेड़ की बहुत दयालु, दयालु नहीं। आप पहले समझ जाओ क्या सही है क्या गलत है, तो गुस्सा आपके अंदर बचेगा ही नहीं, आपके अंदर अनहैप्पीनेस बचेगा, नेगेटिविटी बचेगा ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन बचेगा ही नहीं। तो कोई कुछ भी मारे, कोई आपको प्यार देगा तो भी आपका शांति निकलेगा, और कोई आपको गाली देगा तो भी आपका शांति निकलेगा। तो समझ जाइए क्या सही है, आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, ब्रेन के ऊपर, अपना माइंड के ऊपर, और यही एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में भी है। आई एम श्योर आप लोगों को समझा के थक गए होंगे, कुछ होता नहीं, आप किसी को समझा ही नहीं सकते। तो अपने माइंड के ऊपर आप रिसर्च करो, फाइंड आउट कि माय गॉड हाउ कैन आई मेक माय माइंड ऑप्टिमल। जब वो ऑप्टिमल आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग का मैं बीच में नाम लेता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएंगे। और एक बार समझ में आ गया तो यू बिकम एटलीस्ट, डोंट हैव टू बिकम अ गांधी, पर कम से कम आप शांत तो हो सकते, कम से कम खुश तो रह सकते, कुछ छोटा मोटा काम तो कर सकते। हर कोई तो बड़ा आदमी नहीं बनता है ना, आप कम से कम अगर पैसे ही कमा रहे हैं तो आप पैसे भी कमा लेंगे, शांति से कमा लेंगे, आराम से कमा लेंगे, मजे में कमा लेंगे, टेंशन लेने का क्या जरूरत है। ये माइंडसेट मैं चाहता हूँ बायोस लेवल जो है वहाँ पे, और गहरी बातें ऑब्वियसली नॉर्मल लोग इनको समझ भी ना पाए जो मैं बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है धीरे धीरे। तो दिस विल बी समथिंग टू विच मैं बीच बीच में बाउंस करूंगा किसी भी जवाब को लेकर। अब एक कोर पे आता हूँ, बहुत सारे बुक्स हैं जो लोगों को बदल सकते हैं, और ये वैसे बुक्स है जो वर्ल्ड के एकदम फेमस बुक्स आते हैं। तो पहला बुक है जिससे आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, उसका ये नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेजी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा। किसने किसने सुना इस बुक का नाम? सर आपसे सुना है। ओह मुझसे ही सुना, सॉरी। पर ठीक है, आप अगर सेल्फ हेल्प में जाएंगे या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, You already have it. Very nice. Very nice. I read it, but implementation-wise, थोड़ा मुश्किल है ना? तो आप अगर books पे research करना, that which are the best books, तो ये कुछ ऐसे books माने जाते हैं जो core books माने जाते हैं। तो core पे मैं थोड़ा आपको ज्यादा ये करूंगा, focus करवाऊंगा, और ऐसे books माने जाते हैं जो core नहीं है। मैं आपको example दोनों का दिखा देता हूँ। Just a second. Where is the big book? Okay. जैसे एक देखिए, इसका नाम है Think and Grow Rich. Good. ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट भेजा था ऑस्ट्रेलिया से, हमारे ही स्टूडेंट था, यहाँ पे क्लासेस करके गया था, और उसको ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन, सॉरी मैंने कुछ गिरा दिया, उसको ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कार्ड मिला था। And then he sent me this book. ये बहुत famous book है, one of the most famous book आप मान सकते हैं, Think and Grow Rich. तो ये वो book है जो सारा motivation speakers जो आप जानते हैं ना, वो इधर से आते हैं। सारा MLM का बाप है उसका गीता ये। यहाँ से आप कह सकते हैं एक तरीके से शुरू हुआ था सेल्फ हेल्प का पूरा लॉजिक, Think and Grow Rich. देखिए इसका नाम क्या लिखा हुआ, उल्टा दिख रहा होगा शायद आपको, Think and Grow Rich. सोचो और अमीर बन जाओ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आप कह सकते हैं एक तरीके से ये वन ऑफ द की है। नहीं, जिसने इसको लिखा उसका अलग स्टोरी है, नेपोलियन हिल, वो बात अलग है। ये नहीं कि जिसने इसको लिखा वो कोई महान आदमी था, नहीं नहीं, उसने भी 10 जगह से कॉपी किया था, बट दिस इज लाइक वन ऑफ द सेंट्रल पीसेस। TGR इसका नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप, और आप तो इसमें घुसेंगे, आप अगर पैसे कमाने जा रहे हैं ना अभी, तो आपको ये सब चीज मिलना शुरू हो जाएगा। आप जब स्पीकर्स का बात सुनेंगे तो ये लाइक एक गीता में आता है। तो दिस इज वन बुक विच इज अ टॉप एंड बुक। अब इस बुक को देखिए, इसका नाम है What the CEO wants you to know. This is one of the typical books जो आपको मतलब you know self help या business improvement वो सब category में मिल जाएगा, और ऐसे books आता रहता है जाता रहता है, by an author known as Ramcharan. इस तरह का books होता है, हजारों books ऐसा होता है,
और इस तरह का सेंट्रल बुक्स होते हैं. सेंट्रल मतलब कि एक बुक है जिससे हो सकता है 100 बुक निकला. एक मूवी है आईफोन, मान लीजिए एक आईफोन निकला, फिर सभी फोन आज आईफोन को कॉपी कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल आईफोन आप मान सकते हैं. एक नंबर. एक और फर्स्ट बुक जो आपने दिखाई थी उसका नाम क्या था? How to find people? How to influence people? हाँ. और don't worry, मैं आपको सारे resource भी दे दूंगा. मैं आपको आपको पढ़ाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, मतलब मैं बस example सिखा रहा हूँ आपको ताकि concept समझे. और ये book देखिए भगवद गीता, one of the classic pieces है ना. भगवद गीता तो आप सभी लोग जानते हैं, right? तो ये गीता है. अब गीता से आप देखेंगे मॉडिफाई कर करके, एक तो गीता के ऊपर टीका हम बोलते हैं उसका, बहुत सारा वर्जन है. उसके बाद आप देखेंगे इस टाइप का बुक्स आता है. ये सब क्या बुक्स है? दीज आर लाइक कंपाइलेशंस विच आर इंटरप्रेटेड थ्रू गीता एंड ऑल. तो दो तरह का बुक्स आप देखेंगे, एक कोर बुक्स रहेगा और एक आप देखेंगे उसको लेकर के लोगों ने अलग अलग तरह का बुक का वर्जन निकाला है. अगर आपके पास टाइम कम है तो गो फॉर द कोर बुक. मगर कोर बुक में प्रॉब्लम क्या है, उनका डेप्थ बहुत हाई होता है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. तो लोग क्या करते हैं, कोर बुक खरीद के हर कोई रखता है, मगर आप जैसे मान लीजिए बाइबल किधर गया मेरा, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, मैं बाहर होगा छोड़ो. हाँ, कोर बुक तो सभी के पास रहता है और उसके अंदर घुस पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, बिकॉज वो बहुत हाई एंड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इतने सारे दूसरे बुक्स आते हैं. तो ये रहा वन ऑफ द कोर बुक्स. आप किसी से भी पूछ लो, नेट पे सर्च कर लो, दिस इज लाइक परहैप्स द बेस्ट बुक्स अगर आपको एक फ्रेंडली इंसान बनना है, पॉपुलर बनना है और बिजनेस में अच्छा करना है. ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है. डेल कार्नेजी इनका नाम है, अलग लेवल का बुक है. स्टोरी पे स्टोरी पे स्टोरी है. जो वर्ल्ड के रिचेस्ट 500 लोग थे कोई 100 साल पहले, मान लीजिए अप्रॉक्सिमेटली रिचेस्ट 500 जो लोग थे, उन लोगों के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके, सालों साल का रिसर्च करके फिर ये बुक लिखा हुआ था. तो इट्स अ वेरी सॉलिड बुक, प्रॉपर एग्जांपल्स एंड ऑल दैट. बट एक प्रॉब्लम है इस बुक में. प्रॉब्लम क्या है? इसका जो टीचिंग्स है ना, इसका टीचिंग्स मैं आपको टीचिंग के बारे में बताता हूँ. इसका सबसे जो पहला टीचिंग है, वही अगर मैं कभी किसी को बोलता हूँ तो लोगों में आग लग जाता है, वहां पे मामला खत्म हो जाता है. इसलिए मैं बोलूं कि दीज बुक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए तो दूसरे हजारों बुक्स चलते हैं. ये गीता लेवल का किताब हो गया, राइट? तो सबसे पहला इसका टीचिंग क्या है? सबसे पहला टीचिंग इसका है, किसी भी हाल में नेवर कंप्लेन और क्रिटिसाइज एनीबॉडी. और आप बोलेंगे फेंक दो इस बुक को, आग लगा दो. किसी भी हाल में, ये इनका टीचिंग है जो समझ पाना बहुत मुश्किल है. Never complain or criticize. कोई आपके साथ बुरा करे, चुप रह जाइए. कोई आपको चाटा मारे, गांधी जी बोल रहे हैं, ये बोल रहा है गांधी बनने के लिए, छोड़ देंगे हम क्या? कोई नहीं मान पाता इस बुक को, आप भी नहीं मान पाएंगे. मुझे आपसे पूछना भी नहीं, आपसे जवाब भी नहीं चाहिए. मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि आप नहीं मान रहे, दिस इज रॉन्ग, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हमें कोई संत बाबा नहीं बन रहे, हमें कोई संत बाबा नहीं बन रहे, दिस इज रॉन्ग. बट दैट इज वाई आई एम यू नो talking so much. That is why ये कोर पे है. एकदम कोर पे अगर आप चले जाएंगे तो बस आपका एक स्विच को ऑन से ऑफ करना है. अगर वो कर दे तो आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से. एक एक बाइनरी जिसको जीरो से वन कर देना है, वो अगर हम सिर्फ कर दें, आपका लाइफ पूरा बदल जाए. आप अगर जैसे हम बोलते हैं, और ये वही जो करोड़पति थे वो भी कहते थे कि अगर लाइफ में कुछ भी करना है ना, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बस एक छोटा सा काम करो, लाइफ में हर काम उल्टा करो. एक बहुत गुरु था अमेरिका में, बहुत सारे अलग अलग तरह के गुरु हुए. एक बहुत बड़ा गुरु था अमेरिका का, देयर वाज दिस मेजर गुरु जिसको आप नहीं जानेंगे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा. उनका नाम था गुरुदी जेफ, जॉर्ज गुरुदी जेफ नाम का एक अमेरिकन गुरु था, वेस्टर्न गुरु था, अगर अमेरिकन नहीं बोलना चाहिए, वेस्टर्न गुरु था गुरुदी जेफ. और क्या इनमें खास बात था, ही वॉज लाइक अ गुरु ऑफ गुरुज. तो क्या होता है, वो B2B हो जाता है ना, तो कस्टमर जानते नहीं, वो वाला बात था. तो बहुत कम लोग इनको जानते, पर जो इनको जानते हैं वो खुद बहुत बड़े गुरु से, वो बात अलग है. तो देयर वाज दिस ग्रेट गाय, जिसको बाहर से आप देखेंगे तो ग्रेट आपको नहीं लगेगा, बट दैट इज द होल पॉइंट हियर, ये समझ पाना इतना आसान नहीं होता. गुरुदी जेफ, एंड ही इज वन ऑफ द रीजंस कि अमेरिका जितना आगे, वेस्टर्न वर्ल्ड जो इतना आगे, वो वन ऑफ द रीजन है. गुरुदी जेफ भी उसमें शामिल है, जिन्होंने उसका बदल दिया फिलोसफी को. तो गुरुदी जेफ के साथ क्या हुआ था, ही वॉज अ किड, छोटा बच्चा था वो, उसकी दादी मरने वाली थी. जब मरने वाली थी दादी, तो दादी ने बोला कि बेटा इधर आओ, छोटा बच्चा है कोई 5-6 साल का होगा, बेटा इधर आओ, मैं तो चली जाऊंगी ना, पर मैं तुमको कुछ देकर जाना चाहती हूँ. तो बेटे ने बोला क्या देकर जाना चाहती हूँ.
तो दादी ने बोला कि प्रॉमिस करो जो मैं बोलूंगी तुम हमेशा इस बात को करोगे, प्रॉमिस करो। क्या बोली दादी? दादी ने बोला कि तुम आपसे जो भी काम करोगे ना, दूसरे लोगों से अलग करना, प्लीज इतना प्रॉमिस कर दो। मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी कि हाँ मैंने दे दिया तुमको, बहुत बड़ा विरासत दे दिया। अब बेटी को तो समझ में आया, हाँ हाँ दादी क्यों नहीं, जो भी बोलेंगे मैं दूसरे से अलग ही करूंगा। तो दादी ने बोला कि खुश हो गए दादी, उनको लगा कि चलो ठीक है मेरा टीचिंग समझ गया। फिर उसने बोला मुझे एक एग्जाम्पल देकर दिखाओ, एक एग्जाम्पल करके दिखाओ। उन्होंने उसको एक एप्पल दिया, ये लो एक एप्पल खाओ इस एप्पल को। गुरुदेव ने क्या किया, वो समझ गया, छोटा बच्चा मगर वो समझ गया। उसने क्या किया, एप्पल को पहले बहुत ध्यान से गोल गोल घुमा के देखा, अच्छे से देखा, हर तरफ से देखा कैसा एप्पल है। फिर उसको किस किया, प्यार किया, फिर एप्पल के साथ डांस किया, फिर एप्पल को लेकर गाना गाया, उसके बाद उसको खाया। दादी ने बोला कि अब मैं शांति से जा सकती हूँ, तुम समझ गए। तो नेक्स्ट गुरुदेव बिकेम ग्रेट इन हिज ओन मैनर। कुछ लोग आप देखेंगे ना जो बहुत ग्रेट हुए हैं पर जाने के बाद, बिकॉज वो इतने डिफिकल्ट, उनको समझ पाना मुश्किल है। वो चाहे सॉक्रेटिस हो चाहे क्राइस्ट है, तो सॉक्रेटिस क्राइस्ट को मारना पड़ता है, सॉक्रेटिस को जहर पिलाना पड़ता है, क्राइस्ट को तो सूली चढ़ाना पड़ता है, बिकॉज वो लोग टाइम से आगे आ गए। उनका टीचिंग समझ पाना भी लोगों के लिए संभव नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए, पेंटर्स हुए जो मर गए, उसके बाद डिस्कवर किए गए कि माय गॉड इतना अच्छा पेंटर था। तो इसमें गुरुदेव वाज वन ऑफ दोज पीपल, वन ऑफ दोज पीपल। तो उसने क्या किया, उसका टीचिंग बस इतना था। और आई नो मेनी पीपल ऑब्वियसली हु हैव रियली डन वेरी वेल इन लाइफ, जो सिर्फ एक काम करते हैं, गुरुदेव जैसा चलते हैं, मतलब दे डोंट डू थिंग्स द वे अदर पीपल डू, वो उनसे उल्टा चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, लुक एट द वेरी बेस्ट प्रोग्रामर्स, आई एम श्योर आपने देखा होगा, या किसी और दिन प्रोग्रामर्स को लेकर के भी एग्जाम्पल दिखा दूंगा। वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रोग्रामर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा काम करते हैं जो आपको लगेगा ही नहीं अच्छा प्रोग्रामर करता है। दे आर ऑपोजिट, डूइंग ऑपोजिट ऑफ दैट, नंबर वन, उल्टा। और एक और कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को लोग कहते थे पैराडॉक्स फिलॉसफी। पैराडॉक्स फिलॉसफी का मतलब है कि आपको जो चाहिए आप अगर उल्टा करें तो आप वो पा लेते हैं जो आप चाहते थे। अजब सा कंसेप्ट है, दैट इज अ पैराडॉक्स। इफ यू वॉन्ट टू लव समबडी, आप चाहते कोई आपसे प्यार करे तो आप उससे नफरत करो, माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है। बट इसमें भी एक सच्चाई है, वो बात अलग है। बट सी, उल्टा हर जगह आपको दिखेगा उल्टा। जब मैं भी कुछ बोलूंगा आपको लगेगा उल्टा, जब मैं कुछ करूंगा आपको लगेगा उल्टा, जब मैं कोई ऐसा बुक उठा के देंगेगा उल्टा, गीता उठाएंगे आपको लगेगा उल्टा। हर जगह जहाँ पे सीक्रेट है, सीक्रेट सब जगह है, पर प्रॉब्लम है उसको समझ पाने के लिए आपको उलझना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। तो दिस इज दी बेस्ट बुक, मैं यहाँ से थोड़े से टॉपिक्स उठाता हूँ अभी। और हमें क्या करना है, आप इसको अपने लाइफ में नहीं लगा पाएंगे अनलेस यू बिकम इन अ सेंस एनलाइटेंड। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ, हम बोलते हैं एनलाइटेंड हो जाना, मतलब आदमी बदल गया, वो अब आदमी रहा ही नहीं, बेसिकली उसके अंदर का भगवान जाग गया। हम कहते हैं द्विज, ही इज बॉर्न अगेन, ही इज गॉट अ रीबर्थ। तो एक आदमी का रीबर्थ हो जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको बुक देखने का जरूरत नहीं है। इफ यू गेट रीबॉर्न तो आपको सारा बुक समझ में आ जाएगा, पर जब तक वो नहीं होता तब तक क्या करना है, तब तक हमें एक गलती नहीं करना है। इफ वी वॉन्ट टू बी लाइक करोड़पति, हमें ये समझना है, सिंपल सा फैक्ट है कि हम पूरा जिंदगी बिना करोड़पति हुए मर सकते हैं, बिना जिंदगी, पूरा जिंदगी। और हमारे जैसे आज हजारों दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनका जिंदगी बीत जाएगा, वो कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। तो हम जो भी क्यों नहीं बन पा रहे, कोशिश तो सब कर रहे, बिकॉज जो भी हम जानते हैं वो गलत है। तो आपको अभी जो करना है कि यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन आप लेंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम तो एक साथ चलने वाले हैं, अब हम एक साथ चलेंगे ना, तो एनीथिंग विच यू डिसाइड विल गोइंग टू कन्फर्म टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, इवन इफ प्राइवेटली आपको लगे ये गलत है। तो वन ऑफ द रूल्स वुड बी स्टफ लाइक दिस, नेवर कंप्लेन और क्रिटिसाइज, वन ऑफ द रूल्स। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, ये सबसे डिफिकल्ट है। आज भी मैं इसका मास्टर तो नहीं हो पाया, पर कम से कम मैं गुड हूँ इन चीज़ों में, कंप्लेन क्रिटिसाइज में। अब मैं एवरेज लोगों से तो काफ़ी बेहतर, इस पर कोई शक नहीं, बट आई एम सर्टेनली नॉट अ मास्टर। बट ये मैंने हमेशा देखा है, वेन एवर आई हैव कंप्लेंट और क्रिटिसाइज, कभी भी मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया, कंप्लेन किया, तो आई हैव रिग्रेटेड इन द लेटेंट। और जब मैंने ध्यान से सोचा तो मैंने देखा कि मेरी गलती इसमें ज़्यादा थी, आई शुड नॉट हैव डन दैट। एज अ बिजनेस हम हर्ट करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी जिंगा,
लाइक देवर द गेमिंग गेम्स का ना, अभी तो पबजी वबजी आ गया। जिंगा जो कंपनी थी देवर एट वन टाइम द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एट वन टाइम। उनका मैं स्टोरी देख रहा था उनके फाउंडर का कि उन्होंने छोटी सी कंपनी को बहुत बड़ा किया था। कैसे किया था? दे हैड वन रूल जो हमें भी रखना पड़ेगा। उनका एक रूल था, उनका रूल ये था, अगर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय किसी को भी बगल वाले को कभी भी कोई नेगेटिव बात बोलता है, $10 फाइन ऑन द स्पॉट। मैंने आपको कुछ नेगेटिव बोला, आप मुझसे तुरंत अभी ₹100 ले लो। आपने उसको नेगेटिव बोला, वो तुरंत आपसे ₹100 ले लो। एक रूल रख दिया उसने कि नेगेटिव बोल ही नहीं सकता, और कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बन गया वर्ल्ड का। क्या इस रूल के कारण बना? शायद शायद, है ना। तो वन ऑफ द थिंग्स वुड बी कि व्हाइल वी विल बी स्टडीइंग दीस पीपल, हम रियल लाइफ में चाहे हम एकदम कमीने बन जाए कि हम हर बात पे कंप्लेन क्रिटिसाइज करें, वो बात अलग है, पर कम से कम यहाँ पे आप उल्टा करो, एक्सपेरिमेंट करो, और अगर रिजल्ट मिलेगा तो फिर वहां पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला तो आप पहले ही ठीक कर लेते। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज द राइट वे टू गो। विल बिकम पीपल हु डू नॉट कंप्लेन, हु डू नॉट क्रिटिसाइज, खास करके मेंबर्स के लिए। इज इट डिफिकल्ट टू डू? वेरी डिफिकल्ट टू डू। झगड़ा हो चुका है, झगड़ा हो चुका है मेरे लोगों के साथ इस पॉइंट को लेकर के। आप सोचिए, मैं सिखाने जा रहा हूँ कंप्लेन क्रिटिसाइज नहीं करो, और वो इस पॉइंट पे लेकर के लोग मतलब एकदम गाली गलौज पे उतर आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट आई हैव सीन दैट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट। मैं हजारों बार हजारों लोगों से बात करने की कोशिश की मैंने, बहुत मुश्किल होता है, और जो थोड़ा भी सक्सेसफुल है लाइफ में उसके लिए तो ये नेचर, उसका तो बचपन से उसको पता है, वो बोलता है कि ये क्या सिखाया, तो हमें पता ही है। दैट इज व्हाई ही इज सक्सेसफुल। वी बिकम अ पीपल हु डोंट कंप्लेन। तो करे क्या? उल्टा, ऑलवेज अप्रिशिएट। तीन रूल अगर आपको बिजनेस में कदम रखने के पहले तीन चीज अगर आप समझ लें तो फिर आपका सारे का मतलब बेसिक सारा कंप्लीट हो गया, बेसिक्स कंप्लीट हो गया बस तीन चीज से। नो नेगेटिविटी, नेवर कंप्लेन, नेवर क्रिटिसाइज। एक चीज याद रखिएगा, इस बारे में मैं जितना आप चाहें उतना डिटेल्स में जाने को राजी हूँ, जितना एग्जाम्पल आप दें मैं उतना राजी हूँ उस पर जाने का, बिकॉज दिस इज लाइक वन ऑफ द कोर थिंग्स। ठीक है, तो नेवर कंप्लेन, नेवर क्रिटिसाइज। मैं भी गलती करता हूँ, मुझसे भी कई बार गलती होती है, इफ आई डू दैट तो यू शुड बी रिमाइंडिंग मी, नंबर वन। ठीक है, तो वी हैव टू बिकम पीपल हु आर सच पीपल कि लोग हमसे यू नो जुड़ना चाहे, ऐसे लोग बन जाए, वो उन्हीं से जुड़ना चाहेंगे जो हैप्पी होते हैं, जो खुश होते हैं, और जो कंप्लेन क्रिटिसाइज करते हैं उनसे कोई क्या दोस्ती करेगा, राइट। तो वी हैव टू बिकम दैट पीपल। तो कंप्लेन क्रिटिसाइज करना बंद, एक नंबर। सेकेंड, इसका उल्टा हमें करना है, और वो है अप्रिशिएट, पूरा लाविशली करना है, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना है। तो जब कहीं पर कोई मौका मिले वी शुड बी अप्रिशिएटिंग पीपल। अगेन आई एम एक्चुअली पुअर इन दिस वन, मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट वाले में मेरा बहुत कंट्रोल है, बट इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं ना जनरली, उनके लिए सेकेंड वाला मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश बहुत करता हूँ कि इसमें और इम्प्रूव में करता रहूँ। क्या मतलब है? लोगों को अप्रिशिएट करना, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट करना, राइट। बट आई एम वेरी बैड इन दिस, तो आई विल नीड योर असिस्टेंस इन दैट, है ना, कि आप भी अगर मैं मतलब आपको अप्रिशिएट नहीं करा तो आप समझ जाना कि बंदे को आता ही नहीं अप्रिशिएट करना, मेरी गलती है। समटाइम्स यू विल डिजर्व अप्रिसिएशन बट आई मे नॉट अप्रिशिएट यू, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट, दिस इज वन थिंग। ठीक है, एंड थर्ड, हाँ, और ये चीज में मैं अभी काम करना मैं सीखा हूँ थोड़ा, बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लाइक चेंजेस द वर्ल्ड एट ऑल। थर्ड इज नो हाउ टू मोटिवेट अदर पीपल, और इसको मोटिवेट करना गलत होगा। मोटिवेट करने का ये मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको मोटिवेट किया, आप जाके करिए, नहीं। नो हाउ टू अराउज एन इंटरेस्ट इन अदर पीपल और अ पैशन इन, मतलब दूसरों के अंदर एक पैशन जगाना, वो सीखिए। और ये जैसे मैंने पहली बार ऐसा किया, क्योंकि मैं इतने दिनों से हमारा बिजनेस चल रहा है, इतने दिनों से हमारा चल रहा है, मैंने ये कभी नहीं किया था, आज तक नहीं किया था। मेरे पास लोग आते थे कि सर ऐसा कुछ सीखना है, वैसा कुछ सीखना है, मैं बोलता था इसका ये फायदा, उसका ये घाटा है, पर मैंने कभी किसी को प्रमोट नहीं किया आज तक। अच्छा है उसके लिए, मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज एक बंदा आया है, वो बच्चा भी ना समझे, उसको करियर के बारे में पता नहीं, कंपनी के बारे में पता नहीं, जॉब के बारे में पता नहीं, मुझे सब पता है। अब वो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बता दें, देखो ये करोगे तो ये गलती होगा, मैं उसको समझा के गलत रास्ता ये सही रास्ते पे छोड़ देता हूँ, जो मैंने मुझे लगता है मैंने ठीक किया, पर मैंने गलत किया। क्योंकि अगर मैं उसको गलत समझा दिया या फिर गलत सही समझा दिया, पर अगर मैं दूसरा काम करता जो सही रास्ते, उस रास्ते के लिए मैं उसका एक प्यास जगा देता तो मैं सही करता। तो अभी मुझे समझ में आता है कि उन लोगों के साथ मैंने गलत किया, मुझे लगता था नहीं, मैंने सब बता दिया, अब आप डिसाइड करोगे आपके ऊपर रहेगा, दैट इज रॉन्ग।
This is something which I still do, but I'm again, this is one of the things I have to really work on. Right? So, three things. Number one, complain criticize karna band kar dijiye. That is some place where I have very good, mera level acha ban chuka hai. Main aapko hi bolunga, aap research karo, research karo, research karo. Aur kuch nahi isse agar hoga, to ek cheez aapka hoga. आपके माइंड में, आपके टाइम में, आपके दिल में बहुत शांति, घर पे शांति आ जाएगी. और आपको ये पता है कि घर पे शांति आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑफिस तो बचा ही नहीं है ना. अब 31 जुलाई तक के लिए ममता जी ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया, तो हम लोग सोच रहे थे 1 जुलाई से शुरू करेंगे. नहीं, अभी यू नो थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा मामला. जा सकते ऑफिस पर, ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, तो अब तो ऑफिस का कंसेप्ट थोड़ा कम ही हो गया. तो अगर घर पे ही हमें रहना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी घर पे शांति. और घर पे शांति अगर आपको चाहिए, आप अपने तरफ से करो. दूसरे बंदे को जितने क्रिटिसाइज करना करने, तो दूसरा बंदा तो आप देखें कि नॉन स्टॉप करेगा, वो बात अलग है. यू बिकम क्वाइट, यू स्टॉप कंप्लेनिंग. आपको कुछ नेगेटिव आप बोलो मत. छोटे छोटे चीज होते हैं ना, तुमने लाइट ऑफ नहीं किया, तुमने गीजर ऑन कर दिया, छोटा मोटा आप समझते हैं सब बातें. यू बिकम द पर्सन कि अगर किसी ने दूसरे ने लाइट ऑफ नहीं, आप बोलना मत, देखो तुमने आज गलती किया, वो मत बोलना. आप चुपचाप ऑफ करके भूल जाना उस बात. यू बिकम दैट पर्सन. वो आपको अभी भी बोलेगा और आपको गुस्सा भी आएगा, साले एक हफ्ते से मैं तुम्हारा लाइट ऑफ कर रहा हूँ, आज मैंने ऑन छोड़ दिया तो मेरे को गाली दे रहा हूँ. डोंट डू दैट. यू चैलेंज योरसेल्फ देयर. आप ऐसा करो तो पहले क्या होगा, वंस यू थोड़ा सा आप जब चेंज करेंगे ना, तो दूसरा बंदा और डिफेंसिव हो के या फिर और हो सकता है ऑफेंसिव भी हो जाए, बिकॉज इज गोइंग टू चेंज और ही और शी इज गोइंग टू चेंज. वो होने दीजिए, वो एक टेम्पररी चीज है, वो एक टेम्पररी चीज. उसके बाद क्या होगा, जब वो देखेंगे कि उनकी गलती थी और आपने कभी उनको कभी गलत नहीं बोला कि तुमने ये गलती किया, किसी ने मान लीजिए कुछ भी गलती किया, आपने नहीं बोला, रादर आपने उसको ठीक कर दिया, बट विद अ स्माइल, विद अ स्माइल, तो वो बंदा या वो बंदी वो बदलना शुरू हो जाएंगे. दे विल स्टिल बी बैड पीपल इफ दे आर बैड पीपल, दे विल बी बैड टू अदर पीपल, नॉट विद यू. दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बुरा या अच्छा होता, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप है. क्या पाकिस्तानी बुरे होते? बिल्कुल बुरे होते अगर आप एक इंडियन है, पर अगर आप खुद एक पाकिस्तानी तो वो बोलते हैं तो हमारा भाई है ना. तो बुरा आप किसी के लिए होते हैं, अच्छा आप किसी और के लिए होते. जो आदमी एक एक कंट्री का सोल्जर है, वो दूसरे कंट्री का प्रॉपर टेररिस्ट है. पाकिस्तान का अगर एक सोल्जर घुस जाए इंडिया में कहीं पे भी, हम उसको टेररिस्ट बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते आप उसको. और एक इंडियन सोल्जर घुस जाए पाकिस्तान में, तो आप उसको टेररिस्ट ही बोलेंगे. तो अच्छा बुरा कुछ होता नहीं. जो एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है. जो एक का चोर है वो दूसरे का रॉबिन हो जाए. अगर आप अमीर है तो वो आपके लिए चोर है, पर वो तो जा रहा है बांट रहा है गरीबों में, तो वो बोले तो रॉबिन हो जाए. राइट? सो देयर आर ऑलवेज बेसिकली टू साइड्स. यू स्टॉप जजिंग. जो बुरा आदमी है बोलो कि ठीक है भाई, तुम बुरे में क्या कर सकते, एक्सेप्ट करो, यार बैड पर्सन इन माय लाइफ, ठीक है तुम मुझे मेरे जिंदगी में एक बुरा इंसान भगवान ने दे दिया. आप बोलो ठीक है भगवान, मैं समझ गया तूने क्यों दिया, बिकॉज तुम चाहते थे मैं अपने आप को बदलूं. एक आदमी जिम में जाता है, मान लीजिए वहां पे भारी भारी वजन है. नॉर्मल आदमी इतना भारी वजन देके भाग जाए, बोलेगा पागल आदमी हो. एक आदमी जिम में जाके भारी वजन क्यों उठा रहा है, बिकॉज भारी वजन जब उठाने की कोशिश करता है तभी उसका मसल्स बनता है. अब मैं क्या करूं, मान लीजिए मैं एक नया जिम खोल दूं और आप जिम में जाएंगे तो दो पतला पतला डंबल रखा हुआ है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि यही काफी है और कुछ जरूरत नहीं है, तो कौन मेरे जिम में आएगा? कोई नहीं आएगा. उस जिम में लोग आएंगे बॉडी बनाने जिस जिम में सबसे भारी भारी यू नो डंबल होगा. राइट? सबसे बड़ा बड़ा मशीनों का उस जिम में लोग बॉडी बनाने आएंगे, बिकॉज वहीं पर सबसे अच्छा बॉडी बनेगा. तो भगवान भी चाहता था कि आप अच्छा बॉडी बनाए, तो उसने भारी भारी डंबल दे दिया आपको, और आप एक्सरसाइज करते नहीं, तो किसका गलती? डंबल का गलती. तो आपके लाइफ में जो भारी भारी डंबल है ना, खतरनाक लोग है ना, वो भगवान ने इसलिए दिया बिकॉज वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यू विल ग्रो, यू विल डू समथिंग बिगर. कि आपके अंदर का यू नो वो जगाना चाहता है बुद्ध को, आपके अंदर का गांधी को जगाना चाहता है, भाई जागो. पर आप उस रास्ते पे जाते ही नहीं, आप इसे फाइट करते, तो आप हार जाओगे ना. आपकी तो पता ही, आप कितना फाइट करोगे, अब तक फाइट करोगे, हार जाओगे. और एक होता तो अलग बात है, आप देखेंगे दुनिया ही ऐसा है, कलयुग जो हम बोलते हैं. तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? चेंज योरसेल्फ. कैन वी डू दैट? एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट. हाउ टू डू दैट? थोड़ा मुश्किल है, बायस को बदलना पड़ेगा. क्या रूल है? नंबर वन, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एट ऑल. कोई कुछ गलती करे. नंबर टू, अप्रिशिएट करना. समथिंग आई एम बैड इन, बट आई होप अब मैं, क्योंकि first time I'm doing something of this level, so I hope ki I'm going to apply, because if I'm teaching to aap mere ko bolenge na, aur jab main publicly bol raha hu to mere mind mein wo set bhi ho raha hai, mere andar ja bhi raha hai, I should do this more. Aur teesra jahan pe main medium bolunga apne aap ko, but obviously if we grow to, if we go deeper to bahut acha rahega. Aur medium teesra kya hai hamara? Teesra bahut simple logic hai, wo hai dusron mein chahat jagana seekhiye. Aur ye book ka beginning part hai. 99
बुक का बिगनिंग पार्ट है, मगर दूसरी तरफ ये भी है, जैसे आप गीता में भी देखेंगे ना, जैसे बोला जाता है कि गीता का जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा गीता का सार है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बिगनिंग का, अगर आप ये समझ जाएं तो बाकी पूरा बुक आपको समझ में आ जाएगा। तो कोर के पीछे हमेशा लगे, मैंने हमेशा देखा लाइफ में कोर के पीछे, अगर मैं कोर को समझ लूँ तो बाकी ईजी हो जाता है। ये किसी और दिन मैं आपको प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में समझाऊंगा, बट ओके थ्री थिंग्स। पहला रूल क्या है किसको याद है बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, नेवर क्रिटिसाइज, जी नहीं करना, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या है, नेगेटिविटी वाली बातें नहीं करनी किसी से, वो रूल बन गया है, नेवर कंप्लेन। दूसरा रूल है कि आप पॉजिटिव बातें करें, है ना, यानी कि अप्रिशिएट करें, कोई कुछ भी छोटा सा भी अच्छा काम करे आप बोले कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, अप्रिशिएट बहुत करें। और तीसरा क्या है, लोगों में चाहत जगाएं, उम्मीद जगाएं, अराउज़ द वांट। हाँ, ये तीन जो है, ये मत सोचिए कि कल मैं बदल जाऊंगा, नहीं नहीं मैं ये रात में मैंने बुक नहीं पढ़ा, नहीं नहीं ये वन ऑफ दोज बुक्स है विच डिफाइंस मी, ये वन ऑफ दोज बुक्स है जो मतलब मेरे अंदर का चीज है जिससे मैं कभी नहीं हटने वाला। और आई एम श्योर कि आप जानते होंगे, बिकॉज मैं पहले भी जब इसके पर क्लासेस देता था सालों साल पहले, तो भी मैंने इसका जिक्र जरूर किया होगा। संजय आपने खरीदा था तो आपने मुझसे सुना था और भी लोगों से सुना, बट मुझसे भी सुना था क्या ये बुक को? I mean, वहां से ही लिया था ना, आपके क्लासेस कर रहा था तभी। मतलब ये वन ऑफ दोस क्लासिक बुक्स है जो इम्पोर्टेंट है। यू डोंट हैव टू हैव द बुक, इफ यू वांट द बुक यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ राइट नाउ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर दो। और आज के डेट में बुक्स से अच्छा है वीडियोस आज के डेट में। तो आप इस बुक का गूगल यूट्यूब पे अभी सर्च मारो, हाउ टू विन फ्रेंड्स, माय गॉड इतना वीडियो आ जाएगा, जिंदगी बीत जाएगा देखते देखते। नहीं देख, आप कुछ वीडियोस देखना, आप कुछ नहीं समझ पाओगे अनलेस आप ये पॉइंट समझ लो। फर्स्ट पॉइंट अगर आप समझ ले सारा काम हो जाएगा। अप्रिशिएट आपको पता है अच्छा चीज है, अराउज अ वांट, ऑब्वियसली बिजनेस में इससे अच्छा क्या हो सकता है, लोगों में चाहत जगाना, मेरा प्रोजेक्ट खरीदो, मेरा सर्विस खरीदो, मेरे साथ आ जाओ, है ना, वो तो है ही, उसमें भी आपको कुछ आता। पहले वाले में लोग डाउट हुआ था, पहला ही सबसे कीमती है, पहला नहीं किया तो सब बेकार है। और पहला क्या है, बिकम द ऑपोजिट पर्सन। दुनिया अगर क्रिटिसाइज कंप्लेन करता है हर बात के ऊपर, यू बिकम द ऑपोजिट। आप फेसबुक पे देखें कोई नेगेटिव न्यूज है तो फट से फैलता है, आप अच्छा बोले तो लोग शक करेंगे ऐसा बात नहीं हो सकता। आप किसी को गाली दो तुरंत लोग बोलेंगे हाँ ठीक बोला ठीक बोला ठीक बोला। आप किसी को अच्छा बोलो लोग शक करेंगे, बट यू बिकम द ऑपोजिट, तभी तो हमें पब्लिक से अलग होना, तभी तो हम आगे जाएंगे ना। तो दिस इज द वेरी बिगनिंग कोर, है ना, एंड थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग, तो आपको तो पता ही है। हाँ, डज डू दीज थिंग्स वर्क, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है, नाउ इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं, टेक्निकली आई मेड अराउंड 30,000 कल मैंने कमाया और आज मेरे करीब 20,000-25,000 आने वाला है। और क्या हुआ था, दो हफ्ते पहले मुझे एक आइडिया आया था, दो हफ्ते पहले एक आइडिया कि ओके दिस इज द राइट थिंग टू डू, उस आइडिया को मैंने पकड़ा, मेहनत कितना करना पड़ा देखा जाए तो बस एक इमेज बना के मैंने एक फेसबुक पे डाला, तो फेसबुक मैंने एक इमेज बना के डाला विद एन आइडिया, एंड लुक एट द हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, दैट आई हैव अप्रॉक्सिमेटली 60,000-70,000 नाउ। और वो एक्स्ट्रा मनी है, मतलब मेरा जो काम कर रहा, मेरा जो बिजनेस है, कोई लेना देना नहीं इसका, दिस इज अ डिफरेंट मनी व्हिच वी आर गोइंग टू पुट फॉर अ वेरी डिफरेंट यूज, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दिस नंबर आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, एब्सोल्युटली नो डाउट। तो ये फैक्ट है, मतलब और जितना आप इसमें घुसेंगे डीपर, यू विल फाइंड कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी, किसी का कोई क्वेश्चन? ये बुक आप थोड़ा एक बार गूगल मार देना, यूट्यूब पे देख लेना, बुक में बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है, बहुत सब कुछ है, पर उतना टाइम भी डालने का जरूरत नहीं। अगर आप ये कोर चीज समझ जाए सीधा, आप असली चीज पे काम करें, तुरंत आपका हो जाएगा, किसी का जरूरत नहीं है। कोर ना समझे तो फिर आपको लगेगा मैनिपुलेटिव बुक है, लोगों को ब्रेन वॉश करना सिखा रहा है, लोगों को बुद्धू बनाना, ऑयलिंग करना, बटरिंग करना सिखा रहा है, सब आपको ख्याल आएगा। पर आप कोर पे अगर जाए तो फिर आप बदल जाएंगे, आप बदल गए तो बुक, आप जो करेंगे वो बुक बन जाएगा, आपको बुक पढ़ के नहीं करना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चन या सजेशन है तो पूछे ना थोड़ा। यहाँ पे मैं एक पॉज कर दूंगा, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू कट द वीडियो। ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट है द क्वेश्चन, ओरिजिनल जो कोई लंबा वीडियो है, दिस विल बी वन ऑफ द वीडियोस दैट विल बी यूजिंग। और इस टाइप का जो वीडियोस है ना, जो अभी मैंने किया, इस टाइप का वीडियो आप लोग बहुत आसान से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच इज रॉन्ग हियर। हमने बिजनेस का पैसा कुछ कपात नहीं किया, एंड इज दिस राइट, और
दिस इज राइट. मैं जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंने आपसे बोला, मान लीजिए आपके टॉपिक पे बोला ना कि अगर किसी पे तकलीफ गुस्सा भी आता है तो क्या करें, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है आप अगर सर्च करने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा. ये आपको सिर्फ उससे मिल सकता है जो जानता है. इफ समबडी इज जेन्युइन वहां से आपको पूरा मिल जाएगा, जो नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा. सेकंड हैंड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ये फर्स्ट हैंड ही मिलेगा आपको. तो विल सजेस्ट कि मतलब, और ये तो हमें करना है बहुत जल्दी अभी से, तो आज से ही शुरू कर दे तो और भी अच्छा. गेस यू गेट द पॉइंट. हाँ, तो ये हमारा मैसेज है और इस मैसेज का कीमत कोई लगा सकता है कि नहीं, और अभी तो शुरू ही हुआ जैसे कि मान लीजिए, तो इस मैसेज का कीमत कोई लगा सकता है कि नहीं, हजार 2000 5000. इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज इवन इफ वी एंटर द एफिलिएट मॉडल ओनली तो भी बहुत पैसा. एफिलिएट मॉडल जो है उसमें तो कोई रिस्क का 0% भी चांस नहीं है. एमएलएम में चांस है ना, तो एमएलएम से सिमिलर हमारा बट ना एमएलएम बिकॉज दो पे वी आर मोर ऑफ एन एफिलिएट. और ये जो कंटेंट अभी बनेगा ना एफिलिएट में बहुत पैसे है, मतलब बहुत चांसेस भी है. आप रिसर्च करो और आप ये भी करो ना कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के रखो जो भी आपको पता है एफिलिएट के बारे में, एंड दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद द रेस्ट ऑफ द पीपल. हम सभी लोग आपस में शेयर कर देंगे राइट, बिकॉज लुक अगेन दो काम करना है मुझे. एक एस्टैब्लिश करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं काबिल हूँ, मैं केपेबल हूँ. इफ यू आई हैव टू बी योर लीडर तो आई हैव टू प्रूव दैट कि आई डिजर्व टू बी योर लीडर, तभी आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा. तो उसके लिए मैं कई बार ऐसा काम करूंगा कि आई गेट इन्वॉल्व डायरेक्टली, एक चीज है ना. बट देन आपको लीडर बनाना है और वो चीज के लिए यू विल बी इन्वॉल्व. आपको फिर बोलना पड़ेगा, मुझे चुप रहना पड़ेगा, है ना. तो वो दोनों चीज बैलेंस करना है, नहीं तो वन साइड होगा तो फिर फायदा नहीं होने वाला. तो वी हैव टू बैलेंस इट दैट वे कि मैं भी करूंगा, बीच में आई विल कम इन एंड करेक्ट इफ रिक्वायर्ड, और मैं कुछ सजेशन दूंगा, आप भी करेंगे. इफ आई मेक अ मिस्टेक एब्सोल्युटली वो करना है. और थोड़ा आप जब इस लाइन में घुसेंगे तो आपको मेरा मिस्टेक भी दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट. बट उस पर बाद में आते हैं. फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, ये तो बहुत ही मुश्किल. पर आप इसके ऊपर सोचना शुरू करो, एक नंबर. दूसरा जो मैंने वो भी बताया था पहले, जो स्टोरी बताया था ग्रैटिट्यूड वाला, आपको बताया था अंधेरे वाला बात बताया था मैंने आपको, फॉरगिवनेस पे मैंने जो बात बताया वो भी देखिए. तो एक आदमी जो फॉरगिव करेगा वो कंप्लेन कैसे कर सकता है, वो इंस्टेंटेनियस फॉरगिवनेस है. कंप्लेन करने का मतलब आप माफ नहीं कर सकते, और जो फॉरगिवनेस है उसका मतलब आपने माफ कर दिया. तो हम क्या करते हैं, एक आदमी गलती करता है फिर हम बोलते जाओ तुमने माफ किया, हमने तुम्हें माफ किया राइट. तो अब हम यही चीज अगर बोले ही ना तो वो रूल नंबर वन नहीं हो गया. रूल नंबर वन कह रहा है कंप्लेन मत करो, और यहाँ पे हर आदमी कह रहा है कि माफ कर दो, फॉरगिव कर दो. तो आप फॉरगिव से आप अग्री करेंगे कि हाँ फॉरगिव करना हमारा ही फायदा है, फिर आप कंप्लेन से क्यों नहीं अग्री करेंगे. तो लॉजिक लगाइए, सोचिए इसके ऊपर. हाँ, जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा. बट लाइक ऐसा डिफिकल्ट है, पर मजेदार चीज क्या है कि जो भी डिफिकल्टी वो सिर्फ यहाँ है, आपके माइंड में सारा गेम है. राइट, द होल गेम इज इन योर माइंड, और कोई तकलीफ नहीं है. ये होगा ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो होगा तो, और यही तो हम करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं. तो लिव इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में अगर किसी को माफ कर दिया तो मामला बढ़ेगा नहीं आगे, और प्रेजेंट में आपने किसी को कंप्लेन किया तो आप ही मामला को आगे बढ़ाए, फिर मारपीट होगा, झगड़ा होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा. तो ऑल पीपल हु आर सक्सेसफुल, आप चेक करो, दे आर लाइक दिस इन दैट सेंस. अब मैं पॉलिटिशियन आप मत बोलिएगा, मोदी और ममता बनर्जी, उनको मैं सक्सेसफुल मानता नहीं किसी एंगल से. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीस पीपल. इज इट डिफिकल्ट? यस इट इज डिफिकल्ट. You have to do it completely? बिल्कुल नहीं. मैंने खुद ही कम्प्लीट नहीं कि मैं क्या बोलूंगा, पर जितना मैंने किया उतना मैंने देखा फायदा हुआ. ये चीज आप चेक करो. नेक्स्ट टाइम आपको जो कंप्लेन करने का मौका मिले आप उसको अप्रिशिएट करके देखो, फिर देखो, और फिर आपको पता चले कि माय गॉड बहुत फायदा हुआ, तो अगली बार फिर करो. जब तक फायदा हो करो, जिस दिन रुक जाए मत करना, जिस दिन रुक जाए. पर वो रुकता ही नहीं ना, दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट. रुकता ही नहीं ना. माफ करना शुरू तो करो, फिर देखो मामला कहाँ तक जाता है. बुद्ध के ऊपर थूका था एक आदमी, तो आज तक हजारों साल से हम ये स्टोरी बता रहे हैं राइट. और कितना खुशी और कितना दिल से बता रहे हैं. वहां पे बुद्ध अगर आज आ जाता हम उनको, मतलब उनका पांव छू लिया, उनको चुम्मा ले लिया, उनको क्या आदमी थे आप. बिकॉज एक बार उन्होंने ऐसा नहीं किया था. वो स्टोरी मैंने आपको बताया था ना, एक औरत का जो पानी लेके खड़ी थी पूरी रात, नहीं बताया आप लोगों को? राइट थिंग ना, तो एक मिसाल बन जाता है. मिसाल तो
तो आप मिसाल बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ठीक है तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, पर मिसाल खड़ा खोल देंगे कि इतना बुरा होने के बाद भी मैंने बोला तुम एक अच्छे इंसान हो, अरे बाप रे फिर क्या होगा सच्ची, आप करके तो देखो करो तो देखो, और जो बात अलग है, डज नॉट साउंड बिजनेस लाइक बट दिस इज प्योर बिजनेस, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क राइट नाउ, भगवान फिर आपके पीछे लग जाएगा कि ये इंसान को आगे ले जाना है, इसको पैसा दो, इसको पावर दो, इसको पॉपुलर बनाओ, बिकॉज मुझे ये इंसान मेरे दुनिया को सुंदर बनाने जा रहा है, और आप सबसे फाइट करेंगे तो भगवान आपके लिए और फाइट करने का ही रीजन क्रिएट करेगा, ये सारा झमेले वाला इंसान है इसको खत्म करो जल्दी से, तो एक काम करो और झमेला चाहिए लो और झमेला लो, तो डोंट डू दैट, डोंट जज दिस, दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, स्टार्ट बिलीविंग इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल बिकम ब्यूटीफुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कह रहा है, नेवर कंप्लेन और क्रिटिसाइज, राइट, आप देखो, बिकॉज इफ यू क्रिटिसाइज यू अट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग पॉइंट्स द सेम थिंग, पर वो एक जैसे किसी का 0-1 हो जाए ना, तो मेरा वही मेरा फ्लिप कर गया, 0 से 1 हो गया, तो सब चीज एक साथ समझ में आ गया, अदरवाइज एक ही चीज को समझना बहुत मुश्किल पड़ता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दैट सेंस, ठीक है,